हरि ओम। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। समस्त को प्रणाम। वारो सत्संग प्लेटफॉर्म को समस्त को स्वागत। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वत्पत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुगमखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान कर श्री चरणारविंदरे कोटि कोटि नमन पूर्वक भगवत भगवान कर चरण वंदन पूर्वक अर्चनीय गुरुदेवकर श्री चरण अरविंदरे कोटि कोटि नमन पूर्वक भागवत भगवान कर चरण अरविंदरे कोटि नमन पूर्वक श्री जगन्नाथ भगवान कर छत्र छायर विराजमान करथिवा समस्त भक्तजन मातृशक्ति
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ପୂର୍ବକ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇଏ ଯୋଉ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଏକାଦଶମ ତୁ ଲଲାଟ ପଟଲେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶିରୋମତି ବିଭାତି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଏସେ ଦିବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ बड़े से बड़े विद्वान भी जहां भ्रमित हो जाते हैं। एभली भाव कहा जाए कि सुवर्णे सुवर्ण असली की नकली ये बाजार को आनिले ही जना पड़े। विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, यदि विपत्ति अथवा किसी भी समस्या बहुत बड़ी समस्या हो तो पति के पास तार पत्नी र जो निष्ठा केते दूर रहुची वो जना पड़े। तो केते बड़ा विद्वान हेले भी मध्य श्रीमद भागवत महापुराण के अंतर्गत जना पड़े जो कितना बड़ा महात्मा अथवा कितना बड़ा पंडित। तो ऐसा दिव्य ग्रंथ और हमें बारंबार आप पूर्वर विचार कर जानते श्रीमद भागवत महापुराण हो या अनेक अनेक दिव्य अध्यात्म ग्रंथ हो, ये एभली एक ग्रंथ अथवा जो अध्यात्म ग्रंथ बड़ा सुंदर भावरे छांच निर्माण करती कि ये कैसा व्यक्तिर चरित्र हवा कथा जो चरित्र के अवगाहन अथवा चरित्र के से भली छांचरे संचित हेले प्राप्ति परमात्मा ही परिवे। परमात्मा के साथ एकाकार होना अथवा आत्मज्ञान प्राप्त करना ये लक्ष्य होची शास्त्र। सो शास्त्र आम मन को सदा सर्वदा व्यक्तित्व निर्माण करेवा निमन्ते व्यक्तित्व निर्माण करेवार निमन्ते सदैव चेष्टा करे। तो व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए जने भक्तर जने भक्तर को भली भाव व्यक्तित्व हवा कथा जो व्यक्तित्व को नहीं से सानिध्यता प्राप्त करिवो परमात्मा भगवान कर ये लक्ष्य। ये व्यक्तित्व निर्माण करिवार निमन्ते शास्त्र किसी से जबरदस्ती तो नहीं करता। हाँ शास्त्र ये जरूर करता है कि कम से कम ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए। ईश्वर प्राप्ति निमन्ते व्यक्तित्व एभली भाव व्यक्तित्व हवा उचित। तो कम से कम शास्त्र एक दर्पण है। जो शास्त्र को हमें अध्ययन अध्यापन करिबा द्वारा वो शास्त्र कम से कम आमे निजर व्यक्तित्व को शास्त्र र वर्णित थिबा व्यक्तित्व सहित तुलनात्मक विवेचन करू कि मेरे अंदर वो व्यक्तित्व विकास हेती कि हबा को बाकी अछि। सेति निमन्ते गुरु गृहरु सामाजिक व्यवस्था को आसीबा पूर्वरु गुरु ये मंत्र दिए स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम निजर निजे अध्ययन करिवार एवं अध्ययन करिकि सही कथाटा समस्तक पाखरे प्रकाश करिवार ये जो कार्य एथिरे कोनोसी किसी भी प्रकार की प्रमाद नहीं करना। अच्छा जो दिन से स्वाध्याय करिवो अथवा जो दिन से प्रवचन करिवो
ସେଇ ଦିନ ଯେ ସାକ୍ଷାତ ଏକଦମ ବିଦ୍ୱାନ ଅଥବା ସାକ୍ଷାତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଭଗବାନ ଅଥବା ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଧାରଣ କରିବ ଏସା ନାହିଁ। नारायण अब भी वो चेष्टा सतत चेष्टा करे, जन्म जन्म रति राम पद नारायण, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंते राम पद आवत नहीं, ऐसा भी स्थिति नारायण। तो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण कहंती उद्धव, ये मनुष्य शरीर मोरो स्वरूप ज्ञान और प्राप्ति करिवार निमंते सबसे, इसलिए ये मनुष्य शरीर को प्राप्त करिवार अर्थ मानो एवं भाव वर्णन करा जाए कि ये मानो परमात्मा भगवान कर प्राप्त करिवार निमंते उत्तम एक साधन है। तो नारायण परमात्मा भगवान को प्राप्त करिवार निमंते ये मनुष्य शरीर को कहा जाए मोक्ष करी द्वारा, कैसा साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाइन जही पर लोक विशारा। और तो रामचरित मानस रे श्री तुलसी जी मनुष्य शरीर को 84 लक्ष जीवजाति मानक भितर ये मनुष्य शरीर को जिते बड़े मनुष्य शरीर प्राप्त हेलार अर्थ बड़े भाग मनुष्य तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। महाराज समस्त अध्यात्म ग्रंथ के साथ साथ देवता माने भी मध्य सुर दुर्लभ अर्थ तो देवता मान को भी मध्य मनुष्य शरीर को प्राप्त करिवार बोली, जो मनुष्य शरीर रे संभव ही परिव देव शरीर रे भी मध्य प्राप्त ही परिव नहीं। क्यों भाई आमे माने तो देवता को आश्रय करुचु उपासना आदि करुचंती, किसी भी सकाम वस्तु पदार्थ आदि प्राप्त करिवार निमंते सकाम भोग आदि को प्राप्त करिवार निमंते देवता मान को आमे उपासना करुचु, लेकिन देवता मान को पाई देवता मान को निमंते ओ दुर्लभ नुह जो मनुष्य शरीर प्राप्त ही परिव नारायण। तो कहिवार अर्थ कि मनुष्य शरीर द्वारा जो पुण्य जने प्राप्त करुचे वो पुण्य की बदलौट ताकु एक स्वर्ग लोक आदि को प्राप्त हो, लेकिन लेकिन ये देवता माने देवलोक करे करंति कण बोले निजर कर्म फल को भोग करिवार निमंते ओ किसी ना किसी एक पदरे प्रतिष्ठित होंती। अच्छा अन्यथा किंतु मनुष्य शरीर रे ध्यान देना देवलोक रे अथवा स्वर्गलोक रे जने व्यक्ति तार कर्म को भोग करुछि, कर्म भोग करुछि रे अर्थ ता पुण्य ता क्षय होछि, किंतु ये मनुष्य शरीर रे जने व्यक्ति पुण्य को संग्रह करि पारिबो, पुण्य को और पुण्य करि पारिबो, किंतु जो कि देवजोनि रे देव लोक को प्राप्त कला परे ओ देवता अथवा स्वर्ग आदि रे पुण्य क्षय हुए छिना, किंतु आ नूतन पुण्य तयारी हे परे नाही। सेति पई ए संपूर्ण जीवभूत मानंक र नाना प्रकार जो योनि नाना प्रकार जो गति गति ये सब के सब त्रिगुणात्मिका आप पूर्व आमे माने विचार करिछंती आ काली दा विषय। ये समस्त चाहे मनुष्य हो चाहे उद्भिद जगत हो चाहे पक्षी हो चाहे पशु हो नारायण, ये सात्विक पक्षी राजसिक पक्षी तामसिक पक्षी सात्विक मनुष्य राजसिक मनुष्य तामसिक मनुष्य मोटा मोटी भाव रे वर्णन कला परे भगवान कृष्ण कहचंती कदाचित ओ सब गुडाक मिश्रित रूप रे कभी परिव सात्विक वृत्ति राजसिक वृत्ति कदाचित राजसिक अथवा तामसिक वृत्ति को एकदम दबा करके ओ सात्विक वृत्ति रो प्रभाव आम मन कर जीवन में देखिया को मिले, कदाचित राजसिक प्रवृत्ति एकदम शिखर चोटी पर एवं सात्विक एवं तामसिक गुण को एकदम बस गुप्त रखे अथवा प्रभावहीन करी रखे, कदाचित तामसिक वृत्ति एकदम सा विकास रूपरेख
এবং সাত্বিক তামসিক দুইটা এই যোগ ক্যা রাজসিক তামসিক কদাচিত নিউনা। আচ্ছা ইয়ে উড়া অধিক অথবা মিশ্রিত রূপরেখরে আমমানকর জীবনরে সদা সর্বদা সদা সর্বদা এইভাবে ভাবে পরিলক্ষিত হয়। আচ্ছা লেকিন যো সাত্বিক গুণ হোক চাহে রাজসিক প্রবৃতি হোক চাহে তামসিক প্রবৃতি হোক ये तीन के तीन प्रवृत्ति जन व्यक्ति जिते बड़े ये त्रि प्रवृत्ति को तीन प्रकार वृत्ति तीन प्रकार भावना नारायण तीन प्रकार विचार आकु वास्तविक माने नहीं जदि जन व्यक्ति तार वास्तविक खोकला सत्ता को उपलब्ध कला परे माया मात्र बोली विचार कर सरला परे नारायण कम से भीतर से बांधी हुए नहीं সে ভিতরে কি বাঁধি হুয়ে না কিন্তু জাঁলা পরে যেভাবে ভাবে তো এটি কুয়া যায় হ্যাঁ কেতবে কবিরদাস কহতি মায়া মহা ঠগিনী মে জানি এ মায়াটা মহা ঠকটাই মু ভাল ভাবে জাঁচি কিন্তু বলি দেখা তো যাচ্ছি কিন্তু বাস্তব নুহ তো আর কোনসি বাস্তব সত্তা নাই নারায়ণ সেতি নিমন্তে সাধারণ জনে লোক এ কথার ধ্যান রাখিবা কথা যো বিষয় সেবন উদর পোষণ আদি রে সদা সর্বদা লাগি কি আছন্তি অথবা অসত তো ইহাঁ পে ইয়ে কাহা যায় কি যো ব্যক্তি এসি চিজো সে বচনা চাহে তাকু প্রাথমিক অবস্থারে কোন করিবা কথা বলে অসত পুরুষর সঙ্গ কবি না করে যে বিষয় সঙ্গ করুছি ও কবি না করে নারায়ণ ও যো মায়া ভাবনা অথবা উসি মমতা কে অন্তর্গত আসক্তি রে আসক্তি কে অন্তর্গত মহারাজ যে অনুগমন করুছি তার অনুগমন না করে কাহিঁকি না ইয়ে তো এভাবে স্থিতি হু এভাবে স্থিতি परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ये चार नंबर अथवा तीन नंबर श्लोक रे कहंती यदि कोई विषय सेवन करुथिबा व्यक्ति रा संग करे नारायण वो भी सी तो अंध अंध भली चालुचि रास्ता एवं सी तो गड्ढे रे अथवा ये गर्त रे पड़ुचि किंतु जे तार आश्रय नब तार गति भी मध्य से भली भाव रे नारायण उद्धव जी পরম যশস্বী সম্রাট ইলানন্দন পুরুর বা কথা পূর্বরু আমি বিচার করেছেন কি কোভলি ভাবরে উর্বশীর বিরহরে অত্যন্ত বেহোশ অথবা অচেত হয়ে যাইছিল নারায়ণ যেতবেলে পুরুর বার চর্চা হলা দেব লোক আদিরে আরে রাজা হো তো পুরুর বা দেশা কিন্তু উর্বশী যেতবে তাঙ্কর ব্যক্তিত্ব প্রতি আসক্ত হলে তো উর্বশী আই এবং উর্বশী কু দেখি কি আকর্ষিত চিত্ত আকর্ষিত মনোদশা পুরুরবাঙ্কর নারায়ণ পুরুরবাঙ্কু কহুচন্তি এ রাজা মু গটে মেন্ধা দউচি মেন্ধা অথবা ছেলি দউচি তুমকু এ ছেলি কু সদা সর্বদা প্রসন্ন রাখিব নম্বর 1 অর তোর তো ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ହେଲେ ଉଲଗ୍ନ ଦେଖିବି ନାହିଁ ଆଉ ଘୃତ ହିଁ ମୋର ଭୋଜନ ହବ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଏଭଳି ଅନେକ ସର୍ତ୍ତ କରନ୍ତି ଲେକିନ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଛେଳିକୁ ଚୋରି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବତା ଆସନ୍ତି ଅଥବା ସୋ ଚୋରି କରିକି ବମ୍ବାରଡି କର୍ତ୍ତା ହୁଆ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି পুরুরবা মহারাজ শয়ন অবস্থারে দৌড় পড়ে উলগ্নতা কে সাথ ওর ধিকার করিবা ধিকার করতি হুয়ে উর্বশী পুরুরবা রাজাঙ্কু ছাড়িকি চালিলে তো নারায়ণ পুরুরবাঙ্কু নগ্ন স্থিতিরে দেখিকি যেতেবেলে উর্বশী তাঙ্কু ত্যাগ করিবা পাই বসিলে নারায়ণ তো হে দেবী হায় 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 করিবা পাই লাগিলে তো অতি কহিবার অর্থ কি একদম ব্যাকুলিত বিরহ চিত্তরে ডাকিবা পাই যাউছন এ নির্দয়ী কমসে কম মতে তো ছাড়ি কি জানা
कहार अर्थ कि संपूर्ण जीवन सौंप दिया था समर्पण कर दे विषय के प्रति से निम्ते कह जाए विषय को उपयोग करिवार असुविधा नहीं लेकिन विषय को उपभोग करी उपयोग एवं उपभोग कोई व्यक्ति चाय पान करुचि लेकिन चाय पान करुचि तो करुचि किंतु जो दिन चाय पान न करी रही पारिबो नहीं भाविबा कथा चाय सी पीउनी बल्कि चाय ए व्यक्ति को पीवा आरंभ कला तो व्यक्ति जीवन रे जीवन यात्रा अग्रसर हवा निमंते भाई जने व्यक्ति भोजन करिवो कि करिवो नहीं जने व्यक्ति कान रे किछि सुनिवो कि सुनिवो नहीं आखिरे देखिवो कि देखिवो नहीं या फिर महात्मा गांधी के तीन बंदर की लीला करके निज घरे एकांत भाव रे बसिबो आखि बंद कान रे बस रुई डाल दिया और मुह बंद सिल नारायण कान बंद आखि बंद मुह बंद तो भगवान मिलवे जदि एतिकी करले ही परमात्मा भगवान मिलनते जदि एतिकी करले ही परमात्मा भगवान मिलनते ताले जो गंगा बेहरा अथवा अंध ताले ताको भगवान मिलनते नहीं 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 कथा होची जीवन यात्रा करिवा पई हेले तो अकर्मण्यता नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत भगवान कृष्ण कहते श्रीमद् भगवत गीता रे जन व्यक्ति अकर्मा निकम्मा लोकटाए तार शरीर यात्रा भी चलिबा बड़ा असंभव हब जदि से कर्म न करिब नारायण तो जेते बेले पुरुरवा राजांकु उर्वशी अप्सरा छाड़ी की चली गले तो एकदम व्याकुलित हवा पाई लगिले तो एकदम सो ए भली भाव रे कहू चंती पुरुरवा अथवा इलानंदन एल अरे मो जीवन मोर मूढ़ता को तो देखो कामना और वासनार अंतर्गत विषय के अंतर्गत मोर जीवन रे एतिकी बांधी की रखी अथवा मोर मन मोर चित्त को आकर्षित करके रखी मन अथवा चित्त के बिना वो आकर्षित चित्त द्वारा तो मु तो किंकर ही जैसे किंकर दास कहार ये विषय दास ये विषय प्रदान किए करुले बोले वो तो उर्वास क्या उर्वशी तो उर्वशी के प्रेम में तुम्हें लट्टू हो गया था रे निज भीतर पश्चाताप करंती अरे देखो तो देखो मोर जीवन न जाने कोठु आरंभ एवं कोड़ कुआडे जाउथिला ए विषय वस्तु को प्राप्त कर सारला परे केते वर्ष जे मु विषय रे पड़ कि अंधकूप भली गोटे जगार एकदम किंकर हो जाइथलानी और मो मतीता एते पराधीन हो जाइथला जे नारायण 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 ये तो मुझे क्रीड़ा मृग मते खेलना भली कर दीथलानी नारायण देखो तो कि मु तो देखिवा पई हेले पुरुरवा राजा सम्राट समस्त के मर्यादा भीतर रखिवार मोर दायित्व समस्त को सुरक्षित अथवा सुरक्षा दबा दायित्व होचे एक राजा का लेकिन मुझे ध्यान ना रहा जे बेठारु ये उर्वशी आसे की मोर जीवन रे प्रवेश करची नारायण और देखो तो भला नंग धड़ंग है कि बिलखता हुआ बिरहता के साथ ये उर्वशी पछरे पछरे मुं दौड़ुची ये भी कोई जीवन है एकदम पूर्ण कि जहां को नहीं कि मुझ जीवन यात्रा रो पाथे कर थी वो पाथे तो मुझसे छूट गई
अच्छा जगत रे अनेक वस्तु पदार्थ अच्छी व्यक्ति वस्तु पदार्थ देश काल परिस्थिति तो प्रत्येक मुहूर्त रे एक संजोग आसे एवं गोटे संजोग अथवा किसी समय ओ समय उपस्थित हेला परे नारायण ओ परिस्थिति आम मन पाखु चली जाए। तो जने व्यक्ति परिस्थिति आसला बेले कोभली भाव एवं परिस्थिति आसला बेले भी मध्य उस समय जने ज्ञानी व्यक्ति को जानवा कथा ओ परिस्थिति मेरे जिंदगी से जाने वाला है। नारायण यदि वो परिस्थिति आना ताकू जो बोली भाव स्वीकार कर परिस्थिति जीवा से परिस्थिति को भी मध्य से बोली भाव स्वीकार करने कथा जन ज्ञानी पुरुष अन्यथा ये अज्ञानी पुरुष वो परिस्थिति को सुखद परिस्थिति को निमंत्रण तो करे आसक्त ही जाए किंतु से परिस्थिति से जिते बड़े परिस्थिति पुनी बदली जाए क्योंकि परिस्थिति तो बदल नहीं है। ये संपूर्ण जगत रे कोई वस्तु पदार्थ समय है नहीं जो नित्य निरंतर रहे। अरे भाई भोग हो भोग से पहले यदि भोग भोगने वाला रोग रोगी हो जाए तो हरे कृष्ण भोग पूर्वमा राजा अच्छा उर्वशी छाड़ी चली गले ये पछरे पछरे विरहता जंत्रणा के साथ ता पछरे दौड़ चलते मानो ओ जो बोली मानो वो दोनों के दोनों रहते भी है वो संबंध बनी रहती उर्वशी थानते मानो लेकिन पूर्वमा राजा की शरीर में कोई रोग हो जाए तो विचित्र वीर्य का भलिया नारायण तो कथा होती जे चाहे विषय पहले ही हमसे छूट जाए या फिर विषय से हम छूट जाए वो दोनों संभावना अच्छे आम मान कर जीवन से निम्ते तो जीवन रे यदि विषय आती है आ सकती तो निश्चित भाव से वो जा सकती है उसके लिए प्रस्तुत रहेगा नारायण। अरे देखो रे देखो निज भीतर आत्म चिंतन करुचंती पुरुरवा राजा मु चक्रवर्ती सम्राट है कि भी मध्य गध तथा बलद मानक भलिया तो ये उर्वशी अफसरार प्रेम फासरे को भली भावरे बांधी जाई थी मु वर्ष वर्ष पर्यंत ये उर्वशींकर प्रेम उन्माद के वशवर्ती है कि नारायण नारायण ओ सतरे कण एत वर्ष हेला पर भी मध्य ये विषय वासना रे मोर मन तृप्त हेला निज भीतर चिंतन करती निज भीतर गाढ़ चिंतन करती ध्यान देना जिते बड़े जन व्यक्ति चिंतन करे सेते बड़े से व्याकुलता नहीं से विरहता नहीं विरही अथवा व्याकुलित चित्त मनुष्य भीतरे जो दिव्य ज्ञान ऐसा नहीं कि पुरुरवा के भीतरे ज्ञान न थिला लेकिन वो समय आने पर वो चित्त वो मानसिक स्थिति मानसिक दशा वो विषयावृत ही थिला किंतु पर मुहूर्त रे व्याकुलता रे हो विरहता रे हो एक अचानक सा ज्ञान प्रकटित हो गई सेति निमित्त कहा जाए कि हजम हो चाहे न हो बुझ न बुझ पढ़ गीता बुझ न बुझ पढ़ गीता महाराज बुझी हो चाहे न हो भागवत र से शीर्षक बिंदु जो शीर्षक बिंदु र दिव्य छांचठे निर्मित है जन साधक पाई साधक को एवली भाव रे हवा कथा एवली भाव रे हवा कथा यदि न भी है यदि आम मन कर व्यक्तित्व तो से बोली बाबर है नहीं तब भी लगी रहनी चाहिए लगे रहो रे भाई बनत बनत बन जाए। गोटाए दिन जन व्यक्ति शास्त्र अध्ययन करिला पांच वर्ष दस वर्ष पंद्रह वर्ष कोड़ी वर्ष और तापर दिन विद्वान पंडित हो गया ये कोई
खेलने की चीज है क्या नारायण? इतना सारे शास्त्र, एक लक्ष्य ऋचा मंत्र, अनेक सारा स्मृति ग्रंथ। आप सनातन व्यवस्था देखो, सनातन मान्यताएं शास्त्र कहते अष्टादश पुराण, अष्टादश उपपुराण, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, आयुर्वेद, न जाने वेद में की शास्त्र, ये सब के सब मानो वेद, उपवेद आदि 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 आदि। तो एक जीवन संपूर्ण तैयार सौंप दे कोई व्यक्ति, तथापि भी मत्यता को आहरण करिबा एते सहज विद्या नु, एते सहज पठन नारायण। यदि कोई दो चार बातें इधर उधर ना, भागवत के गीता के इधर उधर कोई शब्द, दुई पांच शब्द घुसी रटी देले जे विद्वान है जो नारायण, डर लगुच स्वामीजी ये कहते कौन भागवत अच्छे क्षमा करेंगे आज्ञा। यदि भागवत ही अच्छे बुझापी भागवत अनुवाद ही मुझे तो पुणी मुस्किल। तो इसलिए तो जिते बड़े जन व्यक्ति ये जो शास्त्र शास्त्र जो उपदेश करुच्छे आम मान को, तो नारायण वो दिव्य छांच को आम मान को बार बार कि मो व्यक्तित्व कौन एवं शास्त्र जो व्यक्तित्व निर्माण करने चाहिए वो शास्त्र के अनुसार व्यक्तित्व कोई भाव में हवा कथा मु अच्छी कौटी एवं कौटी जीवी कहा जाना चाहिए मो व्यक्तित्व लेवल कौन बर्तमान साधनार लेवल कौन एवं मत कौटी पहुंचवार कथ बारंबार बारंबार मन को चिंतन अथवा आधार विषय यदि आप देवे निश्चित भाव भले चाल हो चिंतिकी कबीरदास कौन भले चाल हो चिंतिकी चिंती माने पिंपुड़ी तो पिंपुड़ी भलिया भले आम मन अध्यात्म गति हो किंतु गोटे दिन पहुंची जीवे कौन सी द्विधा ना। तो ये भाव रे तो मन ही मन विचार कर अरे मु रसी खंड रे जदि सर्पवत मत देखा जाऊला इस रसी रे कौन भूल आप देखे प्रथम तो हाय हाय कहीकि आवाहन करूला उर्वशी को एवं कौन कहते राजा महाराज ये रसी खंड रे जदि सर्प मत देखा जाऊे रसी रे कौन भूल जदि उर्वशी पाखे आसक्ति देखा जाऊला से उर्वशी कौन भूल नारायण ओ सी ओ उर्वशी ने मेरा क्या बिगाड़ा नारायण कहीं मु स्वयं अजितेन्द्रिय हवा जो मु ही स्वयं अपराधी नारायण। तो ये शरीर माता पिता ये शरीर पर वास्तव में अधिकार कहार अच्छे 19 नंबर श्लोक देखना पित्रो किम स्वनुभार्याया स्वामिनो ग्ने स्वगृह्णयो किमात्मानं किम सुहृदं सुहृदा मितियो नावसीयते। तो ये शरीर माता पितांकर ये शरीर रे अधिकार अछि अथवा पत्नी कर ये अधिकार अछि अथवा स्वामी की मोल ली हुई वस्तु ये दोनों के दोनों ये शरीर पर अधिकार कहार अच्छे स्वामी रा स्त्री पर अच्छी स्त्री रा स्वामी पर अच्छी या फिर ये शरीर पर पितामातांकर अधिकार अच्छे या फिर जो बड़ी भाव डोंगरेज महाराज बड़ा सुंदर भाव लिखते कि जो बड़ी भाव एक किसान खेत को गला परे तार खेत को हरा भरा खेत को जिते बड़े देखी आनंदित है कम से कम बस परिपक्व हो जाए और मुझे काटबी काटिकी अर्ण आदि अनाज घर को नहीं आस आनंदित है नारायण। ठीक से बड़ी भाव जो ए शरीर गुड़ाक जहाँ खाद्य मनुष्य खाद्य खेत को देखिकी जो भाव मनुष्य खुशी जाऊ आम ये शरीर गुड़ाक जहाँ खाद्य
मनुष्य ये पॉपुलेशन ये सारे के सारे जितनी चीजों देख देख करके देखी देखी किसे भी खुशी होती हो, वाव ये आप लोग भी कभी मेरा भोजन बनोगे। अग्नि कहूची मोर अधिकार अच्छी नारायण, ये कौन अग्नि ईंधन अथवा कुकुर गीध की ये भोजन ना, ये सुहृद संबंधी मान कर ना ये कोई निजर। तो नाना प्रकार जिते चिंतन कर ले भी मध्य एग्जैक्ट किसकी है वो चिंतन करीबा बड़ा कठिन है पड़े। तस्मिन कलेवरे मध्य तुष्ट निष्ठे विसज्जते अहो सुभद्रम सुनसम सुस्मितम च मुखम स्त्रियः तुंगमाश्रु धीरा स्नायु मेदमज्जास्ति संघर्तु संघतौ बिनमूत्र पूये रमताम कृमिणाम कियदंतरम। बोलिए शरीर का स्वरूप कौन? बोले मलमूत्र से भरा अत्यंत पवित्र शरीर। आप सोचो इस शरीर को जिते पवित्र कले भी मध्य जिते पवित्र कले भी मध्य प्रत्येक दिन स्नान और आवश्यकता थी, जलधोतर आवश्यकता थी, चाहे कान का हो चाहे नाक का हो चाहे मुख का हो चाहे मूत्रेंद्रिय हो चाहे मलेंद्रिय हो, नित्य निरंतर सदा सर्वदा वो कहीं ना कहीं हर द्वार से मल निकलती है। और तो और आज यदि वो शरीर भीतर ये बसा भीतर जीवात्मा यात्रा करीबा पाई लगे ये पंच महाभूत अथवा बात पीत कफ ये सब के सब अलग अलग होने लगती है। ये शरीर त्वचा मांस रुधिर स्नायु मेद मेद मज्जा अथवा हाड़ मानकर ढेर मलमूत्र पीव से भरा हुआ। आप कहे सब कालो सकालो स्वामी जी की विषय है ये नारायण सकाले ही तो मन को ऐसी वैरागी विषय वैराग्य विषय को आप दबा पड़ो। तो से निमंते जो व्यक्ति निजर वास्तव लाभ प्राप्त करिबा पई चाहू चंती वास्तव लाभ प्राप्त करिबा पई चाहू चंती ना ये विषय ये शरीर के प्रति ना शरीर के सामने दूसरे शरीर के प्रति स्वाभाविक है। परमात्मा भगवान संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड रे स्त्री शरीर पुरुष के प्रति पुरुष का स्त्री के प्रति ये आकर्षण स्वाभाविक आकर्षण भावना है। दृश्य अथवा दर्शन इंद्रिय जाउची रूप पाख को श्रवण इंद्रिय जाउची शब्द पाख को समस्त इंद्रिय मानकर निश्चित एक विषय रही। ये हर कोई इंद्रिया हर कोई वस्तु पदार्थ अथवा हर कोई विषय पाख को यात्रा करिव तानु। अच्छा महाराज मनी मन ये भी विचार करती कि देखो विषय विषय एवं इंद्रिय संजोग रे मन विकार है एवं ये निर्जास विषय एवं इंद्रिय संजोग रे मन भीतर विकार प्रकट है अन्यथा विकार कौनसी अवसर नहीं। 22 नंबर श्लोक विषय इंद्रिय संयोगात मन क्षुभ्यति न अन्यथा न अन्यथा। बोले अच्छा जो विषय संबंध रे जन व्यक्ति रो ज्ञान नहीं से विषय प्रति तार आकर्षण कदाचित है परिवो नहीं। कोई विषय वस्तु आपके ससमुख विद्यमान हो से विषय र अनुमान भी जने करी नहीं कि श्रवण भी मध्य करी नहीं ताहले से विषय प्रति कदाचित आकर्षण अथवा विकर्षण हो कदाचित न हो नहीं हो सकता। जो विषय हमें सुनी नहंती से विषय कामना कमती हो
जो विषय रे आम मान को सम्यक ज्ञान भी नहीं धारणा भी नहीं नारायण से विषय प्रति कदाचित कदाचित न, आ, तो वो कामना उद्रेक हव ही नहीं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध से मनते जो लोक आम जिते बड़े एक विकास अथवा एक शीर्षक बिंदु रे पहुंचिबा पई चाहू जो भोली भाव रे पहाड़ रे यात्रा करूथिबा जणे लोक जते बेले कोई सामान चयन करे से मने मने विचार करे आवश्यकता केति की। यदि हमें माने कोठी जाऊ चंदी तो एकदम सा ये भी चाहिए वो भी चाहिए ब्याग जणे लोक जाउची तीन तीन चार चार पांच पांच बैग बैग लगे एकदम सा। लेकिन महाराज जते बेले पहाड़ ऊपर अपन कोई गाड़ी रे लोड करले वो चल ले और फिर यूं ही सही है गे यहां से होटल होटल हुए ठीक है। पहाड़ रे जति भी नहीं कि चलिबा पई अपन भाबीबे तो गोटाई गोटाई एक एक वस्तु एक एक पदार्थ आपको भारी पड़ने लगता है। तो ठीक से बोली बाबरे अम मन कर यात्रा जो अध्यात्म पथरे विकास रूप को प्राप्त करिबा पई चाहूचंती हमें को वस्तु को विषय अम मन को आवश्यकता एवं को वस्तु विषय अम मन कर आवश्यकता नुह वो विवेक अथवा ज्ञानी निर्णित करने को पड़ेगा निर्णित करना चाहिए। अच्छा तो जो व्यक्ति विषय सहित निजर मन को एकाग्र कला नारायण ओ चित्त विषयला हो करके तड़प विरह तमन को न प्रकट है किंतु विषय से अलग हो करके विषय से अलग हो करके निजर चित्त को निर्विषय करके आम मन को बहुत दूर जाना है भाई बहुत दूर। अतः वाणी कर्ण मन इंद्रिय रे भी मध्य दोनों चीजें ना पुरुष स्त्री के प्रति स्त्री पुरुष के प्रति तो नारायण वो आसक्त भाव को छाड़ी की हमें बहुत दूर अथवा तो मन ही मन मने मने आत्म विश्लेषण करती पुरुरवा राजा। एवं भगवान श्री कृष्ण कहते हे उद्धव ये भली भाव रे राजा राजेश्वर पुरुरवा देखो एवं प्रगायनन रूपम देव देव सऊर्वशी लोक मथो विहाय आत्मानम आत्मनि अवगम्य माम वै उपराम उपारम ज्ञान विधूत मोह। तो निजर ज्ञान उदय हवा मात्रेण निज भीतर समस्त मोह आदि छुमंत उपदेश सारे वर्णन करती रमण महर्षि कि जेते बले अपन मन कौन बोली चिंतन करिवे ये मन गायब हो जाएगा। बड़ी विचित्र ना जो माया मतीता माया मन खंडक आम मान को एते हैरान हरकत करुची किंतु ये माया अथवा ये मन टा कौन से इच्छा टा कौन ता मूल कोठु ये उत्पत्ति हला मनर मूल उत्पत्ति कारण रे पहुंच जाए गला परे वो मन गायब हो जाएगी गुप्त है जीव कोठ देखा जीव नहीं। अच्छा तेणु निज हृदय आत्मस्वरूप आत्मचिंतन करके वो वैराग्य ज्ञान ज्ञान असंग सत्रेण दृढ़ेन चित्वा भगवान कृष्ण कहते श्रीमद भगवद गीता पंचदश अध्याय कि माया मोह को काटिबा पाई बोली कि असंग शस्त्र द्वारा नारायण तो ये बोली भाव रे निज हृदय रे गाड से गाड तर चिंतन करके निजर अंतर हृदय भीतर मोरो साक्षात्कार करिबा पाई आरंभ कला साक्षात कर ली किए पुरुरवा राजा किछि क्षण परु पूर्वरु जो व्यक्ति एभली भाव रे विषय तार एकदम जीवन को हिला दिया था ऐसे पुरुरवा राजा निज आत्म विश्लेषण द्वारा निजे निज को निजर चित्त को जो चित्त विषय कर ही जाइला से चित्त को मोरी चरणारविंद रे युक्त कर दी।
चेतनिमन्ते बुद्धिमान पुरुष को आवश्यकता थी पूर्ववा के भांति विषय आदि संग छाड़ी की परमेश्वर परमात्मा भगवान कर चरणारविंदरे अथवा कौन से संत पुरुष निजर सदुपदेश द्वारा निजर मनर समस्त आसक्ति को भंग कर दबा कथा स्वाध्याय करिवार बहुत बड़ लक्ष्य होची यही कि जेते बेले अथवा प्रवचन करिवार सबुठो बड़ लक्ष्य होची यही कम से कम अध्ययन एवं अध्यापन अध्ययन अध्यापन के बाद जेते बेले प्रवचन भी करोगे करते करते अध्ययन करते किसी को बोलते निज भीतर भी मध्य से आत्मचिंतन उत्थान है और उत्थान होने के साथ साथ विषय से चित्त को हटाने की जो विवेक बुद्धि भीतर ज्ञान समिश्रित हो जाए तो सहज हुए निज चित्त को विषयकार चित्त को परमात्मा भगवान कर चरणारविंद रे एकाकार करिवार एक मार्ग सुस्पष्ट मार्ग देखा जाए तो नारायण तो कौभलि संत मानकर संत एतस्य छिंदंती मनोव्यासंग मुक्ति भी लेकिन कौभलि भावर कौ संतंकर बोले संत अनपेक्षा संत अनपेक्षा एक सहज भगवान कृष्ण का भाषण एक सहज व्याख्या संतर संत अनपेक्षा भाई यदि अपेक्षा करिवे कहा पाखरु कि ये जरूर इतना तो मिलेगी ये चीज तो होगा लेकिन वो दुखर कारण आशा ही तो कामना ही तो दुखर कारण संत संत अनपेक्षा तो किसी भी प्रकार की अपेक्षा कहा पाखरु रखे नहीं ओ संत मच्चित्ता प्रशांता समदर्शिना सदा सर्वदा मत चित्ता परमात्मा भगवान कर चरणारविंद रे एकाकार करता हुआ जो चित्त प्रशांत दिव्य शांति विराजमान हो प्रशांति प्रशांत प्रकृष्ट प्रकारेण शांत शांतता यस्य हृदय विराजमान भवति नारायण समदर्शिनः पंडितः समदर्शिनः ज्ञानी समदर्शिनः लेकिन नारायण ओ सबुरी हृदय भितरे सबुजीव भूत मानंक भितरे मुहि विद्यमान अछि ये भावना व्यवहार कैसा संभव हो कोई ज्ञानी होने के नाते यदि समान व्यवहार हो जाए समदर्शी और अर्थ समान भाव रे देखे नर्दा की से भितरे समान व्यवहार व्यवहार करिबा पई लागे जदि आपण को घरे की अतिथि आसिले आप चाय आदि पिलाते कोई गलती से आजिकाली वर्षा दिन जदि सांप आ जाए तो आइए अतिथि महाराज बैठिए कुर्सी में सांप को लेके कुर्सी में बैठा हो गए नारायण निर्ममा मम भाव शून्य निरहंकार अहंकार शून्य अच्छा निर्दुंडा किसी लोग देखे नहीं आज्ञा आम तो गृहस्थी लोक आप सारे के सारे सन्यासी को ना कथा आप लाल कपड़ा पिंधि आपतर एवा कथा आप जान लें शास्त्र जान लें आम आम तो गृहस्थ लोक अरे भाई ये जो साधु हो महात्मा हो जो साधन पथरे अतिक्रमण कोई स्वर्ग से टपके है क्या ये आपणक मानक भितर एक परिवार भितर ही जने के बाहर साधना साधना करी 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 न जाने कितने जन्म लगता है पहुंचा पाई तो इसलिए तो मु अर्थ आम कौन भी करी पारू कहीं आम गृहस्थ संसार भितर अच्छे ये साधु महात्मा इसको तो ऐसा रहना चाहिए ऐसा बोलना चाहिए ऐसा करना चाहिए हरे कृष्ण बाबा तो संसारी असंसारी विभाग आम तुरंत कर दो
बड़ा मुश्किल है भाई व्यवहार, हरे कृष्ण। तो इसलिए निज भितरे एक आत्म विश्लेषण करिवार सुंदर अवकाश होचे शास्त्र श्रित मति। शास्त्र शास्त्र के साथ जिते बड़े हमें एकाकार करू होचु अथवा शास्त्र अध्ययन करूचु, तो एक एक चीज की, एक एक वस्तु को, एक एक विचार को निज भितर और गभीरतम प्रदेश को जाकि चिंतन करिवार आवश्यकता है। न कि मु आपण को किछि निंदा करिवि, ना आपण मते किछि निंदा करिवि। नारायण कौन है जो अध्यात्म पथरे अतिक्रमण करता हुआ शास्त्र र मार्ग रे वर्तन इथि पई करूछु करिवा कथा आम मान को, क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है भाई। ये तू तू मैं के अंतर्गत क्यों नारायण छाड़ तो निर्ममा निरहंकार अहंकार शून्यता निर्द्वंद सुख दुख सुंगई श्रीमद भगवद गीता मानो एक एक देखो पंचदश अध्याय में एक श्लोक है जो एक साधु को कैसा होना चाहिए। निर्द्वंद द्वंदेरिव मुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययम् तत। नारायण द्वंदेर विमुक्त को भली द्वंद सुख दुख द्वंद से जो मुक्त ही सरी थी निष्परिग्रह जार आग्रह परिग्रह नहीं जार संग्रह नहीं निज पाई र आवश्यकता कौन निज पाई र आवश्यकता कौन जिते संग्रह होना कहीं पूरा घर भर दिया लेकिन निज पाई र आवश्यकता कौन। लज्जा निवारण निमंते दो कपड़े, कोई सफेद कपड़ा पहनता है कोई लाल कपड़ा पहनता है, कोई हलवा पुड़ी खाता है कोई फल कंदमूल खाऊ, अंतर तो हे तो दो टुकड़े रोटी और एक कपड़े की आवश्यकता थी जीवन में। तो संग्रह इतना भी न किया जाए जो संग्रह स्वयं को ही भारी पड़ जाए। नारायण निष्परिग्रह तेसु नित्य महाभाग महाभागेशु मत कथा संभवंति हितान ऋणाम जसताम प्रपुनंत्यकम। हे परम भाग्यवान उद्धव जी, नारायण ये संत अथवा ये अध्यात्म साधनार पथरे अतिक्रमण करुथिबा संत नित्य निरंतर तांका पाखरे सबसे बड़ा धन कौन मोरी कथा मोरी लीला। जोठि जाए परमात्मा भगवान कर कथा लीला जो श्रवण कराए, क्यों मोरी कथा ही तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कभी भी रीड़ितम कलमसापहम। जो नित्य निरंतर मो कथा को सेवन करंती अध्ययन करंती, अरे मोर कथा ही मोर लीला ही मोर नाम कीर्तन ही व्यक्तिर जीवन रो समस्त पाप ताप को धोई दिए है। जी आदर के साथ श्रद्धा पूर्वक मोर लीला कथा रो श्रवण गान आदि करंती अथवा अनुमोदन करंती तो मोर परायण ही जानती तत्सहित मोर अनन्य प्रेममय भक्ति मध्य प्राप्त करंती। उद्धव जी मो अनंत अचिंत्य कल्याणमय गुण मानकर आश्रय एवं मोर जी आश्रित होती स्वाभाविक भाव तारी भितरे दैव गुण धीरे 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 मैं मोर कथा गुण नाम कीर्तन करिवा द्वारा तार हृदय भितरे ऐसे ऐसे दिव्य गुण रो संचार मु कर दिए। नारायण जो एभली जो अनन्य भक्ति जहा जो व्यक्ति चरित्र भितरे अवतरण हला भगवान कृष्ण को ओस मानो संत हो गया। तो स्वाभाविक है सतर आश्रय नेले रामचरित मानस बड़ा सुंदर वर्णन जी सतर आश्रय नियंती
ओ सत स्वरूप परमात्मा भगवान तक गोटे तिलक पिंधे दिया तो सत मधे गोटे अनुस्वार लगी गले संत है जाए। तो जो व्यक्ति संत हो गला प्राप्त करने प्राप्त व्यवस्थु किसी न था क्यों प्राप्त व्यवस्थु तो परमात्मा भगवान स्वयं जहां को प्राप्त कले संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड प्राप्त सा लगने लगता है नारायण। तो इसलिए जो ए भली भाव रे ए घोर संसार रे बुड़ी किए थे तो कोई ब्रह्मवेत्ता शांत संत तार जीवन एकमात्र आश्रय संतो दिशंति चक्षुषी बहिरर्क समुत्थितः देवता बांधवा संत संत आत्मा हमें वच जो बोली भाव रे सूर्य उदय हवा क्षणी आम मानकर जगत्र समस्त प्रकार अंधकार विनाश हो जाए एवं जो नेत्र थाई की भी मध्य देखी पार नथिला से नेत्र संपूर्ण सकल सृष्टि को देखिबा पई समर्थ हो जाए कोई संत की अनुग्रहशील अनुग्रह हो जाए नारायण। तो ये संपूर्ण जगत रे ओ दिव्य सत्ता को उपलब्ध करे दिव्य सत्ता को बुझिबा पई एक सहज दृष्टिता प्राप्त कर जाए क्यों संत तो हितैषी सुहृत सबका हित करने वाला और संत र प्रिय किए बोले प्रियतम आत्मा स्वयं का आत्मा। तो भगवान कौन कहते ए उद्धव मुद अधिक कौन कह स्वयं मु ही संत रूप से विद्यमान अच्छी संसार रे। हे प्रिय उद्धव जी मोते अनन्य अथवा मो ठारु अलगा बोली विचार करे नहीं निजकु वो तो उन्हीं की आत्मा बत्त हो गया ना आत्म साक्षात्कार फेलवा मात्रेण ए बोली भाव रे पुरुरवा उर्वशी प्रति जो स्पृहा थिला स्पृहा समाप्त पूर्वक समस्त आसक्ति समाप्त पूर्वक आत्मा राम रे स्वच्छंदता रूप रे पृथ्वी रे विचरण करिबा पई लागिला। तो इसलिए आम मानकर जीवन यात्रा ऐसा होना चाहिए। एबे उद्धव जी प्रश्न करंती महाराज जो क्रिया जोगर आश्रय करके जन व्यक्ति सही सत्ता रे आरूढ़ ही परिवो से क्रिया जोगर जो क्रिया जोगर अर्थ जो अर्चन जो पूजन द्वारा कम से कम माध्यम अर्चन पूजन अथवा विशेष क्रिया को आधारित करी आमे माने जेते बेले वो सत्ता पाखरे उपलब्धि करू अथवा से सत्ता को प्राप्त करू से क्रियार मर्मटा कौन प्रभु टिके अपन मते कहंतु। तो ये बड़ा सुंदर भाव रे क्रिया जोगर वर्णन। तो आपण माने जहा को आज पर्यंत क्रिया जोग बोली भाबी चंती सेटा कौन एवं जो क्रिया जोगर वर्तमान वर्णन करिवे परमात्मा भगवान कृष्ण ये सप्तविंश अध्याय रे वो क्या है जरा अच्छी तरह देख लीजिएगा। तो हे कमल नयन श्याम सुंदर भगवान कृष्ण आपण शंकर आदि जगदीश्वर को भी मध्य तो ये नित्य निरंतर आपणकर चरणारविंद रे जो क्रियायोग प्राप्त करके आपण को से माने प्राप्त करी चंती नारायण। तो आपणकर तो मु भी मध्य आपणकर चरणारविंद रे समर्पित जने भक्त तो आपण सेथिपाई मते टिके कृपा करिके क्रिया जोगर वास्तविक स्वरूप टाकु टिके वर्णन करंतु प्रभु। श्री भगवान कहउछन्ते उद्धव जी ये कर्मकांड रे एते विस्तार जे नह्यन्तो अनंत पारस्य कर्मकांडस्य च उद्धव ये कर्मकांड रे एते विस्तार जे तार सीमा पाइबा बड़ा कठिन सेथि निमन्ते मु अल्पके अल्प तो कम से कम मु विधि पूर्वक मु तुमको सामने रे वर्णन करूछि। अच्छा को बोली भाव रे बोली हे उद्धव वैदिक तांत्रिक मिश्र इतिमे त्रिविधामख त्रयाणाम इप्सिते नैव विधिनाम मा समर्चये। तो वैदिक मतरे तांत्रिक मतरे अथवा मिश्रित मतरे वैदिक तांत्रिक मिश्रिक ई मतरे
तो तीन प्रकार भक्त मोर भक्त माने एभली भाव रे मोर उपासना आराधना करती जहा को जो भली भाव रे अनुकूल लगे। अच्छा वैदिक अर्थ किसी मंत्र विशेष के साथ किसी मंत्र को आलंबन करके वो आराध्य देव को उपासना करिबा। तांत्रिक मत से तंत्र मीन वन ऑफ द टेक्नोलॉजी कि एभली भाव रे जंत्र स्थापित करिबा दरकार, एभली भाव रे मंडल हवा कथा, एभली भाव रे ऐसा होना चाहिए। अच्छा तो मंत्र के साथ साथ क्रियाएं मानो कि दशमुद्र जने भोजन करेवा पाई परमात्मा भगवान को जत्ते बेले अर्पण करुची नैवेद्य अर्पण करले दशमुर्ता दशमुद्र दर्शये एभली भाव रे वर्णन अछि नारायण। तो एभली भाव रे वैदिक तांत्रिक कदाचित मिश्रित। अच्छा तो जहां को जो भली भाव रे अनुकूल अथवा सहज जना पड़े से व्यक्ति से भली भाव रे करे। अच्छा तो सर्वप्रथम निजे पूजन रे बसिबा पूर्वरु कम से कम अधिकार अनुसार शास्त्रक्त विधि द्वारा यज्ञोपवीत संस्कार आदि द्वारा नारायण तो कम से कम अपने ही यज्ञ पवित यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम वरमस्तु तेजः। यदि वो यज्ञ पवित अपवित्र ही थी वो तो यज्ञ पवित को धारण करे परिवर्तन करे और फिर शरीर पवित्र पाई शरीर पवित्र निमंते अपवित्र पवित्र वा सर्ववस्थान गतोऽपि वा यस्मरित पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर श्रुति शरीर शुद्धि फिर आचमनियम गोविंदाय नमः नारायणाय नमः वासुदेवाय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः वाम पार्श्वे हस्त प्रक्षालनम। एवली भाव रे अंतर आचमनियम द्वारा अंतर शुद्धि अपवित्र पवित्र आदि मंत्र के द्वारा बाह्य शुद्धि फिर पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तुम विष्णुना धृता तुम च धारे माम देवी पवित्रम कुरुचासनम नारायण। एभली भाव रे ये वर्णन करे और तौर तो भैया तो शरीर शुद्धि अंतर शुद्धि उसके साथ साथ नारायण तो शरीर शुद्धि अंतर शुद्धि है सला परे मन तो आसन शुद्धि हरे कृष्ण आसन शुद्धि तो आसन आदि उपवेशन पूर्वक जन व्यक्ति जब इसी में तो उसके बाद ही देवकर्म करिवार निमंते से व्यक्ति समर्थ हुए क्योंकि परमात्मा भगवान पवित्र तो वो पवित्र सत्ता को उपलब्ध करिवा निमंते स्वयं में पवित्रता आना अनिवार्य है स्वाभाविक है कि जेते बेले जने व्यक्ति परमात्मा भगवानंकर उपासना करिवार निमंते अपने आप को सामर्थ्य अथवा पवित्रता बनाए रखे पवित्र सत्ता को उपलब्ध करिवा पई स्वयं में पवित्रता आए तो सही नारायण तभी तो संभव होवा तभी तो संभव हो वो पवित्र सत्ता को उपलब्ध करेगा। दोनों अंतर आप स्वयं में समझ लीजिएगा कि जेते बेले जने व्यक्ति स्नान ध्यान आदि करके कोई मंदिर जाए स्वाध्याय करे जप करे तपस्या करे तो स्नान करिबा परे यदि कोनोसी व्यक्ति मंदिर जाए कोठी बसे भी तो स्नान के पूर्व स्थिति एवं स्नान के परिस्थिति दोनों को अच्छी तरह जन व्यक्ति जते बड़े अंतर समझ आप ऐसे ही समझ जाएंगे नारायण। जो दिन स्नान करके अपन जप करंतु मन भीतर भले अपने बेड में भी हो कहीं भी हो नारायण को स्थिति रे थाउ जन व्यक्ति स्नान कर सरला पर दिव्य सुंदर शुभ्र वस्त्र हो या कोई पीली वस्त्र हो
या भगवान को जो अच्छा लगे, जो आंखों को खटके ना, सुंदर भाव रे अपन स्नान, शरीर पवित्र, मन पवित्र, अंतर पवित्र, आसन पवित्र, नारायण। फिर वो तत्त्व देवता रा अंगन्यास, करन्यास, ध्यान, संकल्प, ये जितने बड़े जन व्यक्ति इतनी भी करीबा पाई लगे, तो निश्चित भाव से दुनिया से मैं अलग हूं। तो परमात्मा भगवान को कहुचंद ये नाना प्रकार पूजा सामग्री द्वारा मूर्ति रे, वेदी रे, वेदी माने कोई विशेष प्रकार की मंडल जितने निर्माण करे, अग्नि द्वारा, सूर्य पाखरे, जल रे, निज हृदय रे, अथवा ब्राह्मण रे, ब्रह्म जानन्ति ब्राह्मण, ओ ब्राह्मण मानक पाखरे, तो ए भली भाव रे आराधना करे, आराधना करे। आराधना करिबार आधार देखो कहाँ कहाँ को नहीं चल, मूर्ति, वेदी, अग्नि, सूर्य, जल, हृदय अथवा ब्राह्मण। तो पूर्वम स्नानम प्रकुर्वीत धौत दंतोंग शुद्धये उभये अपि च स्नानम मंत्रेर मुत ग्रहणा दिना। इतनी डिटेल शायद भगवान कृष्ण किसी अध्याय रे एबली भाव रे कहिना। उपासक को आवश्यकता थी प्रातः काल पूर्वम स्नानम प्रकुर्वीत, स्नान पूर्व प्रकुर्वीत धौत दंत, दंत धौत अंग शुद्ध ये, सो दंत शुद्धि, मलमूत्र विसर्जन, स्नानम उभयेरपि च स्नानम मंत्रेर्मुत ग्रहणादिना। जिते बड़े स्नान करिबा पई जाउचंती पई मध्यम, थोड़ी सी जल लाए और भावना करे, गंगे चैमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सनिधिम कुरु, हे गंगा जमुना कावेरी, ये समस्त तीर्थ जल को आवाहन पूर्वक मुझे आप पवित्र कर दीजिए मैया, हे समस्त तीर्थ मते पवित्र करंतु, ताकि मु परमात्मा भगवान कर उपासना रे उपासना करिबा निमंते समर्थ है। तो एवली भाव रे मंत्र द्वारा, माटी द्वारा, भस्म द्वारा स्नान करें, पुनः स्नान करें, मिट्टी आदि लगा करके पुनः स्नान करें, तापश्चात वेदोक्त संध्या वंदनादि सत्कर्म नित्य कर्म करिबा। तीनोटी संध्या से गोटे दिन रे, प्रात संध्या, मध्यान संध्या, साय संध्या। संध्यार अर्थ संधि, गोटे काल जाउची आ गोटे कालर आगमन होची, वो संधि मुहूर्त को संध्या कहा जाए। तो संध्या रे संध्या वंदन आदि करिवार आवश्यकता थी, और तापरे आराधना निमंते सुदृढ़ संकल्प करे, मम पात समस्त दुर्त्यक्षे द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम, नारायण आत्मकल्याणार्थम संकल्प करे, सर्व पाप क्षयार्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम अहम, ये करिसिए। अच्छा, पुनः मोर मूर्ति आठ प्रकार मूर्ति ध्यान दे, शैली दारुमयी लोही लेप्या लेख्या च सैकति मनोमयी मणिमयी प्रतिमांष्ट विथा स्मृता। हे उद्धव, मोर आठ प्रकार की मूर्ति, पत्थर र, लकड़ी दारु विग्रह, कोई धातु विशेष, माटी अथवा चंदन आदि र, अथवा चित्रमयी, बालुकामयी, मनोमयी, मणिमयी। अच्छा, सेमानक भीतर भेद होची दुईटा, गोटे चल प्रतिमा आ गोटे होची अचल प्रतिमा। अच्छा उद्धव जी, अचल प्रतिमा रो पूजन रे प्रतिदिन आवाहन विसर्जन करिवार आवश्यकता नहीं, ओ अचल ओ कोई किसी मंदिर में हो, घर में हो, प्रार्थना घरे हो,
जल प्रतिमा संबंध रे विकल्प अच्छे चाहे करी परिवे चाहे न करी परिवे आज जन सज्जन एठी अछंती तांका ठाकुर जी को नेकी आ कोठी चल नारायण उत्सव मूर्ति भगवान कर तो चाहे कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं परंतु बालुकामयी प्रतिमा जदि अछि पूजन करू चंती अपन से भीतरे आवाहन करले विसर्जन करले बालुकामयी कदाचित निर्माण लिंग प्रतिष्ठा करती बालुका पुणी सिठी पूजन अर्चन करती पूजन अर्चन अथवा रुद्राभिषेक आदि समाप्ति चलला परे पुणी विसर्जन कर दियंती तो अथवा माटी हो चंदन हो चित्रमय प्रतिमा हो से मानको स्नान करेबे नहीं एकदम प्रैक्टिकल केवल मार्जन कर दे सिंचन कर दे पोछ दे हल्का सा परंतु ये सब को स्नान नारायण तो मार्जन विधि रे हो चाहे ये भी विधि रे हो स्नान तो करिवा कथा प्रसिद्ध प्रसिद्ध पदार्थ रे प्रतिमा आदि को मोर पूजन करिवा कथा परंतु जो मोर निष्काम भक्त वो अनायास प्राप्त पदार्थ द्वारा मोर पूजा करिवा जहां तक प्राप्त हेछि जहां ता पाखरे संभावना अछि जहां ता पाखरे उपलब्धि अछि नारायण अन्यथा हे उद्धव जी स्नान वस्त्र आभूषण नारायण वो पाषाण अथवा धातु मूर्ति आदि एगुड़ा कर उपयोग अछि बालुकामयी मूर्ति अथवा माटी रा बेदी रे पूजा करिवा पई हेले नारायण से भीतर मंत्र द्वारा अंग मंत्र द्वारा ये सब व्यवस्था करिवा कथा भाई बालुका रे अपन स्थापना करि ताकू पिंधेबे केमती अपन चंदन केमती देबे जो बालू बाली रे जदी तो स्वाभाविक स्पर्श करिवा मात्रेण जल दान दबा मात्रेण ओ अंग भंगी रूपरेखा परिवर्तन हिजब तथा तो अग्नि रे जो माने पूजन करिवार अछि तो घृत मिश्रित हवन सामग्री द्वारा आहुति प्रदान करिवा कथा सूर्य को जो माने प्रतीक मानिकी पूजन करंती मुख्यतः से माने को पई अर्घ्य दान आदि द्वारा पूजन करिवा कथा नारायण ए बोली भाव रे दिव्य गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि समर्पण करिवा कथा उपासक को प्रथमे कौन करिवा कथा बोले नारायण ये समस्त पूजा हवन सामग्री आदि आदि को तो एकत्थी संग्रह पूर्वक नारायण ओ तो सारे के सारे कुश आदि बिछाई दे सरला परे कुश को मार्जन करे जलसिंचन आदि के द्वारा मंत्र अभिसिंचन पूर्वक मंत्र द्वारा उनको पवित्र करे आसन पवित्र प्रत्येक मंत्र रे गोटे विनियोग मंत्र अच्छा पृथ्वीति मंत्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषिः सुतलं छन्दः एभली भाव तो पुनः उत्तर की ओर मुह करके पवित्रता सहित कुश आसन रे उपवेशन पूर्वक जदि प्रतिमा अचल थन्ति जदि अचल प्रतिमा अछन्ति तम सम्मुखस्थ उपवेशन पूर्वक पूजा कार्य आरंभ करे ता पूर्वरु प्रथमे विधि पूर्वक अंग न्यास कर न्यास जो जो देवता को उपासना आराधना करती से उपासना मंत्र जो बड़ी भाव मंत्र को आपण विनियोग करचंती उसी मंत्र उसी इष्ट के अनुसार अंग न्यास कर न्यासर मंत्र भी बीज मंत्र भी बदली जाए नारायण तो स्वाभाविक भाव परमात्मा भगवान कर प्रतिमा ऊपर यदि पूर्व समर्पित किसी सामग्री आदि जुक्त है कि चंदन अच्छी माला अच्छी पूर्व दिन रु पूजन आदि से मानको एकदम सा अलग करके उन सुंदर भाव रे पोछ करके इसलिए देखो सुंदर मूर्ति पूजा रा विधान को बड़ी भाव रे करा जाए नारायण काली जदि चंदन दे चंती आज जदि चंदन दबा को अच्छी ताले पूर्व चंदन टा पोछी तो दियंत भाई चंदन उपरे चंदन चंदन उपरे चंदन माला उपरे माला वस्त्र उपरे वस्त्र चली नारायण न जाने स्थिति कैसी तो इसलिए तदनंतर पाद्य अर्घ्य आचमनम द्वारा तो कलश आदि रे जल समर्पित पूर्वक
नारायण, तो सुंदर भावरे पद्धति के अनुसार उसी जल रे दुर्वा दल कमल विष्णु क्रांता चंदन तुलसी दल अर्घ्य पात्र रे गंध पुष्प अक्षत जव कुश तिल सरसों दुर्वा दल नारायण आसमन पात्र जायफल लवंग तो ये बड़ी भाव रे क्रमशः हृदय मंत्र शिरो मंत्र शिखा मंत्र ये अंगन्यास करन्यास के अंतर्गत आते नारायण इति अस्त्राय फट से सर करो ये तो ये बड़ी भाव रे कहा जाए ये मंत्र करके जो बड़ी भाव रे वो चुटकी बजाते तो वो शब्द जो पर्यंत जाए से जो शब्द जो पर्यंत सुबह जो अनिष्टकारी भूत प्रेत आदि समस्ते अपसर्वंत ते सर्वे सर्वा तो समस्त को अपन अलग करीबा निमंते तो महाराज वो अंगन्यास कर न्यास अथवा हृदय मंत्र शिरो मंत्र शिखा मंत्र आदि को स्थापना करा जाए ताकि अपसर्वंत ते सर्वा जैसे विघ्न सत्ता थी सब चली जानतु क्यों मुमर परमेश्वर परमात्मा भगवान को आराधना करीबी तो बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि ओंकार अकार उकार मंकार बिंदु और नाद आप देखो अन्य जीव कलाम ध्यायत नादान्ते सिद्धभाविता तो ओंकार जो आधार अ उ म चंद्र और बिंदु नारायण हृदय भीतर स्थापना पूर्वक अलग अलग स्थान के महत्व के अनुसार वो ओंकार की उच्चारण करे और तत्सहित यदि तो वो ओंकार निनाद करे मेरे परमेश्वर परमात्मा भगवान ओंकार रूपरे विद्यमान संति ऐसा अपने आप को जोड़ दे अपने वाणी को उस ओंकार निनाद के साथ जोड़ दे ताकि निजो अंतकरण भीतर वो दिव्य एक प्रकाश की एक चमक दिव्य प्रकाश की एक ऊर्जा तमन को मन प्रकटित हो नारायण यदि महाराज वो दूसरे द्रव्य कुछ है नहीं तो मानसिक पूजन करे मानसिक पूजा करीबा कथा तदनंतर तन्मय है कि मोर आवाहन प्रतिमा आदि रे स्थापना उद्धव जी मोर आसन आसन रे धर्म आदि गुण नारायण तो ते सब को समस्त शक्ति को विमल आदि शक्ति को भावना करे अर्थात आसन रे चारि पाखरे धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य एभली भाव रे विद्यमान अछंति ऐसी भावना करके मोर आराधना करिवार आवश्यकता छे अधर्म अज्ञान अवैराग अथवा अनैश्वर्य ये चार दिशा मानो की तो मैं मुझसे दूर 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 चारों तरफ से मोर भीतर ये प्रवेश न करंतु एवली दिव्य भावना पूर्वक नारायण तो ये सब को हटाने के लिए अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य आदि को हटाने के लिए नारायण उस पर विमला उत्कर्षिणी ज्ञान क्रिया योग प्रलभी सत्या ईशान अनुग्रह ये नौ शक्तियां विराजमान अछंती सदा सर्वदा मते सहायता करंती और उस आसन रे एक अष्टदल पद्म अष्टदल कमल विद्यमान अछंती बाहर यदि कोई विशेष प्रकार की पूजन हो तो जैसे कि सर्वतो ग्रह मंडल हो भद्र मंडल हो तो नारायण वो अंकन करिवा कथा अन्यथा मोरी हृदय कमल रे मेरे परमेश्वर परमात्मा भगवान वो ऊर्जा प्रदान करता हुआ मो हृदय विद्यमान अच्छा भावना करिवा कथा तो परमात्मा भगवान को कोई भी उपचार करा बेल को जरूर उसमें प्रत्येक जैसे वस्त्र प्रदान करे तो वस्त्रांते आचमनीयम चंदनम देले चंदनांते आचमनीयम गंध प्रदान कर ले गंधांते आचमनीयम नारायण अक्षत प्रदान कर ले अक्षतांते आचमनीयम सब उठी आचमनीयम अर्घ्यादि प्रदान करे नारायण तो मोर अलग अलग
आठ आयुध को पूजा करे अलग अलग जगह रे मोर सुदर्शन चक्र पांच जन्य शंख कौमाद की गदा खड़ग बाण धनुष फल मुसल ये आठ आयुध तत्सहित मोर अंगराग शोभावर्धन करथिबा कौस्तुभमणि वैजयंती माला श्रीवत्स ब्राह्मण चिन्ह वक्षस्थल रे विराजमान अछि नंद सुनंद प्रचंड चंड महावल बल कुमुद कुमेर कुमुदक्षण ये आठ पार्षद अलग अलग दिशा रे गरुड़ जी सामने दुर्गा विनायक व्यास विशुकसेन चारों कोण रे स्थापित अछंति बाई और मोर बाम भागरे सदा सर्वदा मोर गुरु विद्यमान अछंति जो सदा सर्वदा तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः जे सदा सर्वदा साधना को मते प्रेरणा करंती एवं जे दिशा प्रदान करंती यथाक्रम पूर्वादि दिशा आदि रे इंद्रादि आठ लोकपाल मन को स्थापित करके प्रक्षण अर्घ्य दान आदि प्रदान करे नारायण। और हे उद्धव जदि मते स्नान आदि करिवार अछि जीतन्ते पुंडरीकाक्षम ये इत्यादि महापुरुष विद्या अथवा सहस्र शीर्षा पुरुषादि सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपत सभूमि विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम पुरुष एवेदगम सर्वम ये इति इत्यादि ये पुरुष सूक्तम मंत्र आदि द्वारा परमात्मा को स्नान कराए तो उसी के अनुरूप वस्त्र यज्ञोपवीत आभूषण पत्र माला गंध चंदन आदि प्रेम पूर्वक यथावत मोर श्रृंगार करिबा उपासक श्रद्धा सहित मते पाद्य आत्मनम चंदनम पुष्पम वक्षतम धूप दीप सामग्री आदि समर्पण करिबा तो हो सके। देखो भगवान कृष्ण की वाणी स्वयं उद्धव जी के प्रति हो सके गुड़ हो खीरी हो घृति घृत घृत आदि पूड़ी पुए मालपुए लड्डू हलवा भगवान धूप दीपो पहाराणी दया दद्यान में श्रद्धयार्चक गुड़ पायस सर्पी से सस्कुल्या पूप मोदकान तो ये सब के सब नाम ली। और तो अन्यथा भगवान का विग्रह हरे परमात्मा भगवान को दत्वन करे दांतवन अरे भगवान को कमती दांत घसे एक दर्पण लिया जाए तो शुद्ध दर्पण दिखे कि नारायण सिटी स्नान करे वे दर्पण प्रतिबिंब को स्नान कराए दंतुन कराए स्नान आदि करके तो उनको तो भोग आदि लगाए और तो उसके बाद नाच गान की प्रबंध करे पूजा के बाद शास्त्रोक्त विधि से बने हुए कुंड अग्नि रे मोर स्थापना करिवा कथा मेखला गर्त वेदी रस शोभायमान क्योंकि ये सारे के सारे वेदी सुंदर भाव रे निर्माण करिवा कथा क्योंकि प्रत्येक यज्ञ र सकाम यज्ञ र यज्ञ करिले तार विधि अलग पुत्रेष्ठी यज्ञ करेले तार यज्ञ कुंड भी स्वरूप स्वरूप भी मध्य अलगा हब तो यज्ञ लक्ष्य यज्ञ इष्ट कौ इष्ट कौ यज्ञ कौ भली भाव रे यज्ञ वेदी हवा कथा सब अलग 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 वर्णन करा जाए नारायण। फिर अग्निकुंड के चारों तरफ कुशादि आसन बिछे की विधि पूर्वक नारायण समेधा को स्थापना करा जाए और होम उपयोगी सामग्री को स्थापन करा जाए प्रक्षणी पात्र रे जल आदि प्रक्षण करे शुद्धि आदि करे नारायण। उसके बाद अग्नि को ध्यान करके आवाहन करे तप्त जाम्बु नदप प्रक्षम शंख चक्र गदाम्बुजे लसत चतुर्भुजम शांतम पद्मम किंजल कबासचम स्फुरत किरीट कटक कटिसूत्र बरांगदम श्रीवत्स वक्षतम भ्राजत कौस्तुभम वनमालिनम अग्नि प्रज्वलितम वंदे जात वेद हुतासन नारायण। एभली भाव रे अग्नि को विसर्जन करा स्थापना करिवा कथा पुनः समिधा को घृतरे डुबा डुबा के बुड़े की एक एक समिधा अर्पण करिवा कथा हर एक मंत्र के साथ साथ को मंत्र भी यहाँ पे दी गई भगवान कृष्ण कहते उद्धव जी
ओम नमो नारायणाय स्वाहा इदम नारायणाय इदम नमः। ये बोले भाव रे एक एक मंत्र, एक एक मंत्र के साथ आहुति आदि प्रदान करे। तो भगवान कर पूजा करी सरला परे नमस्कार करे, नंद सुनंद आदि पार्षद को आष्ट दिशा मान को हवन कर्मांग बलि प्रदान करे। भगवान को अर्पण करी सरला परे जो अवशिष्ट हवन सामग्री हो, अवशिष्ट पूजन सामग्री हो, उसी से फिर पार्श्व देवता मान को नारायण उसी पे ना। यहां तक जो ब्राह्मण कर्म करिला बेले यदि यत्किंचित वो स्वाहा पुण्य यानी कि रखिए, तो धीरे 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 उस बचा हुआ घी से भी मध्य पार्श्व देवता मान कर पार्श्व देवता मान को बलि दिया जाए परिव अथवा हवन करा जाए परिव। अच्छा एभरी भावरे तो पुष्पांजलि भाव आदि पूर्णाहुति पुष्पांजलि आदि प्रदान कर सारा परे मोर लीला कथा को गान करे। दत्व आचमन मुच्छेद्यम विश्व क्षेणाय कल्पयेत मुखवासम सुरभीमत तांबुला दिय मथारहते हरिये। भगवान को नैवेद्य आदि चढ़ी दी सरला परे, सुंदर सुगंधित तांबुल आदि प्रदान करी सरला परे। उपयायन गुरुणान नृत्यन मोर कथा लीला को गान करे अथवा मोरी नृत्य मोरी नाना प्रकार लीला को अंग भंगी करके सबके सामने लीला को दर्शन कराए। कर्मान्य अभिनयन मम मत कथा श्रावयत श्रुण्वन मो कथा को सुनिबा कथा, मो कथा को गाय की अन्य पाखरे बोलिबा कथा, सुनिबा कथा एवं सुनिबा कथा मुहूर्त क्षणिको भवेत नारायण। और भले गोटे मुहूर्त एकदम सा तन्मय हो जाए नारायण। स्तुत्वा प्रसीद भगवन नितिबंदित दंडवत दंडवत प्रणाम करके स्तुति गान करिवा कथा मोर प्रार्थना करिवा कथा। कैसा शिरो मत्पादयो कृत्वा बाहुभ्याम च परस्परम प्रपन्न पाही मामी स भीतम मृत्यु ग्रहाण ग्रहार्ण बात। तो 46 नंबर शिलो मत्पादयो कृत्वा बाहुभ्याम च परस्परम मोर दक्षिण पाद भक्त दक्षिण हाथ रे ही ताको स्पर्श करिवा कथा। आम माने सीधा इयो सामना सम्मुखी सम्मुखीन कोई गुरु गुरुजन मानन को भी मध्य जदि प्रणाम करला बेले ऐसा होना चाहिए अथवा पछ पटर गोइठ रे गोटी गोइठ साप ऊपर रखिया कथा नारायण, ताकि भगवान कर दक्षिण पादारविंद रे अपन कर दक्षिण हस्त, भगवान कर बाम पाद रे अपन कर बाम हस्त। तो जेते बेले प्रार्थना भी मध्य करू कोई गुरु गुरुजन अथवा अपन पितामाता को भी मध्य प्रार्थना करू तो ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। अन्यथा यदि ऐसा कोई प्रार्थना करे तो संत लोग कहते हैं ये गुरु नहीं है, इसकी निगुरा है ये, कोई सिखाने वाला। तो ये बोली भावरे तो दंडवत अथवा भय के साथ हे करुणा सिंधो प्रपन्न पाही मामी सभीत मृत्यु ग्रहण नवात मृत्यु चक्र भितर मो जन्म मृत्यु चक्र भितर आसुची जाऊ प्रभु मोते ये जन्म मृत्यु चक्र रु आप उद्धार करंतु। इतिशेषा मैया दत्ताम शिरस्या ध्याय सादरम उद्वास ये दुहाय दुद्वासिय ज्योति ज्योति सतत पुनः। तो ये बोली भावरे जहा जहा मते समर्पित करी चंती माला हो तो वो माला आदि को तापरे मो पखरु नेकी तो उसको अपने सिर पर रखे मोर दिया हुआ मो द्वारा प्रदान हेतिबा प्रसाद बोली विचार करी नारायण। और जदि विसर्जन करिवार अछि तब भी ए बोली भावरे भावना करिवा कथा, जो बोली भावरे विसर्जन के साथ साथ वो प्रतिमा रु एक दिव्य ज्योति प्रकटित हला, वो दिव्य ज्योति मोरी अंतराल भितरे मो हृदय भितरे समा गई ज्योति और तल्लीन ही यही थी। ए बोली भावरे ये विसर्जन भावना पूर्वक उद्धव जी प्रतिमा आदि जते बेले जोठी श्रद्धा थिवो स्वाभाविक भावरे ए बोली भावरे पूजा करिवा कथा। और प्रतिमा के साथ साथ मोही ये संपूर्ण जीवभूत मानक भितरे मोही विद्यमान अछि, ये समस्त जीवभूत सकल सृष्टिता ही मोर प्रतिमा मोर प्रतिरूप मु सर्वात्मा, ए बोली भावरे समस्त प्राणी मानक भितरे विद्यमान अछि।
ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହେ ଉଦ୍ଧବ ବୈଦିକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଥବା ମିଶ୍ରିତ କ୍ରିୟା ଆଦି ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ପ୍ରିୟ ପୂଜା କରିବା କଥା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଯଦି ହୋ ସକେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ତ ଉପାସକକୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଦୃଢ଼ ମନ୍ଦିର ବନାନା ଚାହିଁ ଯୋ ଅଲଗା ଅଲଗା ମହିମା ଏଠି ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍ପ କି ବଗିଚା ବନାଏ ନିତ୍ୟ ପୂଜା ପର୍ବର ନାନା ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରା ବଡ଼େ ବଡ଼େ ଉତ୍ସବର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଏ ଯୋ ମନୁଷ୍ୟ ପର୍ବ କି ଉତ୍ସବ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା ଲଗାତାର ସଦା ସର୍ବଦା ନାନା ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ ହୋ ବାଜାର ହୋ ନଗର ଗାଁ ଅଥବା ନାମ ପର ସମର୍ପିତ ନିଜେ ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରିକି ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ କରିଦିଅନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକି ପୃଥିବୀ ତ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ ମନ୍ଦିର ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରେ ତାକୁ ଆ ପରଜନ୍ମରେ ହଉ ଅବଶ୍ୟ ଏକଛତ୍ର ରାଜ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତ୍ରିଲୋକ ରାଜ୍ୟ ପୂଜା ଆଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମଲୋକର ପ୍ରାପ୍ତି ତିନ ନାରାୟଣ ଓ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋତି ହେ ଯୋ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର ମନ୍ଦିର ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ନଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ଅଥବା ମୋର ପୂଜା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ନାରାୟଣ ତ ଏହା ତକ ଯୋ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଦିଆ ହୁଏ ବସ୍ତୁ ଅଥବା ଅନ୍ୟର ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରାଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁ ଅଥବା ବ୍ରାହ୍ମଣର ଜୀବିକା ହରଣ କରେ ଏସା ବର୍ଣ୍ଣନ ହରଣ କରେ ଓ କରୋଡ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଷ୍ଠା କୀଡା ହେଇକି ଜନ୍ମ ହୁଏ ଅଥବା କାହାର ପ୍ରବୃତ୍ତି କାହାର ଧର୍ମ ରୂପରେଖ ହରଣ ନ କରେ ଆହୁରି ଯଦି ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିବାର ଅର୍ଥ କି କ୍ରିୟା ଯୋଗ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ କରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ କରେଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକେ ଅନୁରୂପ ଚାହେ ଫୁଲ ବଗିଚା ହଉ ଚାହେ ମନ୍ଦିର ହଉ ଚାହେ ଯଜ୍ଞ ବେଦି ହଉ ଯଦ୍ୱାରା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଉପାସନା ମାର୍ଗରେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନେ ବାଲେ ତ ମହାରାଜ ଅଖଣ୍ଡ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଯୋ ଲୋକମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ କାମରେ ଏଭଳି କର୍ମରେ ସହାୟତା କରନ୍ତି ଅଥବା ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି ଅଥବା ଅନୁମୋଦନ କରନ୍ତି ଓହୋ କେତନି ସୁନ୍ଦର ସହଜ ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରୁନାହିଁ କମସେ କମ ଥୋଡା ସହାୟତା କରିଦେ ଯଦି ସେ ବି ମଧ୍ୟ ହଉନି ଆରେ ତୁମ କର କି ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତୁମ କର ତାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି ଅଥବା ଅନୁମୋଦନ ବି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ୟେସ୍ ଇଏ ଅଛି କାମ ଆଚ୍ଛା କାମ ହୋ ରହା ହେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ କେ ବାଦ ବି ନାରାୟଣ ତୋ ଓ ଦିବ୍ୟ ଫଳର ଅଧିକାରୀ ହେଇଯାନ୍ତି କହିବାର ଅର୍ଥ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯଦି କିଏ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ମନ୍ଦିର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅନୁମୋଦନ କରୁଛି ଅଥବା ପ୍ରେରଣା ଦଉଛି ତ ଓ ବି ଉସି ଫଲକା ଭାଗିଦାର ହୁଅନ୍ତି କେତେ ସହଜ ରୂପରେ ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଜି ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ଏ ଭାଷା ଏ ବିଚାର ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି ତ ଇଏ ସମସ୍ତ ସାଧକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସାହ ଅଧ୍ୟାୟ ଏକ ପ୍ରେରଣାପ୍ରଦ ଉତ୍ସାହ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମମାନଙ୍କର କି କମସେ କମ ତାଙ୍କର ଉପାସନା ମାର୍ଗରେ ବିକାଶ ଅଥବା ସେ ମାର୍ଗରେ ଅତିକ୍ରମଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅତି ସହଜ ଉପାୟ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଇଏ ତ କାଲି ଆମେ ଦେଖିବା ପରମାର୍ଥ ନିରୂପଣ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଜିକାଲି ଏତନା ଅସ୍ତୁ ଜ୍ୟାଦା ସମୟ ଲେଲି ଆମେ ନେଇ କ୍ଷମା କରନା କିନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟାୟ ଇସି ତରହ କି ହେ କ୍ୟୁକି ଅଭି ପୁରା ବି କରନା ହେମକୋ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍ ଅସତୋ ମା ସଦ୍ଗମୟ ତମସୋ ମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ ମୃତ୍ୟୁର୍ମା ଅମୃତମ ଗମୟ ଓଂ ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବଶିଷ୍ୟତେ ଓଂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତିଃ ହରି ଓଂ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଭ୍ୟୋ ନମଃ ହରି ଓଂ ପ୍ରଣାମ ସବ୍କୋ ଓଂ ତ୍ର୍ୟମ୍ବକମ୍ ଯଜାମହେ ସୁଗନ୍ଧିମ୍ ପୁଷ୍ଟିବର୍ଧନମ୍ ଓରୁବାରୁକମିବ ବନ୍ଧନାତ୍ ମୃତ୍ୟୋର୍ମୁଖୀୟମାମୃତାତ୍ ଓଂ ତ୍ର୍ୟମ୍ବକମ୍ ଯଜାମହେ ସୁଗନ୍ଧିମ୍ ପୁଷ୍ଟିବର୍ଧନମ୍ ଓରୁବାରୁକମିବ ବନ୍ଧନାତ୍ ମୃତ୍ୟୋର୍ମୁଖୀୟମାମୃତାତ୍ ଓଂ ତ୍ର୍ୟମ୍ବକମ୍ ଯଜାମହେ ସୁଗନ୍ଧିମ୍ ପୁଷ୍ଟିବର୍ଧନମ୍ ଓରୁବାରୁକମିବ ବନ୍ଧନାତ୍ ମୃତ୍ୟୋର୍ମୁଖୀୟମାମୃତାତ୍ ଓଂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତିଃ ହରିଃ ଓଂ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଭ୍ୟୋ ନମଃ ହରିଃ ଓଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। वर्तमान आम भागवत में प्रवेश करवा आज दुईटा अध्याय पारायण कर सतैश नंबर अध्याय एवं अठाईस नंबर अध्याय आज पारायण करे श्रीमती अमिता स्वाई मा। अमिता मा पारायण करतु सतैश एवं अठाईस अध्याय। अध्याय साधु साधु संग गुण सपट दिनसरे वर्णन उद्धवे चाहे ऋषिकेश कहती नाना उपदेश श्री भगवान वचन अनेक जन्म तप फले मनुष्य जन्म मही तले जहार दिव्य ज्ञान स्फुरे मुरम हिमा जे सुमरे मन निवेशी मो पयरे विषय सुख न विचारे परमानंद सुख पाई से प्राणी रहे पूर्ण होई ए गुणमय नर अंग केबे है नोहे तार संग अविद्या बाधा न लगई ताहार स्मृति भंग नाही जे प्राणी शरण मोहर मुहि ताहार सुख घर असाधु संगे नरमयी एणु ये संसार तरई जे शिष्ण दर परायण असाधु मति जे दुर्जन ता संगे जे हु संग होई से निसे नर के पड़ई अंधकु होई अनुमत अंध जे तने पड़े ख्यात एणु दुर्जन संग दोष करे सकल ज्ञान ध्वंस थिला जे बुद्ध ग्रह सुत से पुरु रवानर नाथ उर्वशी पीर हे से वीर सकामे तेजिला संसार उन्मत उल्लंग शरीर विभले भ्रमे बन घोरे कांदई उर्वशी न पाई क्षण क्षण के छन्न होई उर्वशी ठारे चित्त देई एमंते केते काल जाई पूर्ण गंधर्व सेवा फले पुण्य गंधर्व सेवा फले रमिला उर्वशी रेले काम संपूर्ण भोग कला रात्रि न जानिला एमते केते दिन गला हृदय कान प्रसरिला एमते रात्रे एक दिने राजा भी चारु अछि मने पूर्णबा वचन देख मोहर कर्म फल उर्वशी संगे काल मोहिते तार संगे खेला केते रजनी दिन गला देख चंचल मोहरातीत कामी कामेरी मोहित जुवती संगे करी खेला बियथे आयुष मोगला वंचित होइली जगते धर्मार्थ काम प्राप्ति न देखी आदित्य रवती अज्ञानी गंगादी बाराती नारी संगमे गला काल भीत मो जीवन निष्फल देख मु रूप शिखा मणि मो प्राण जिमिला तरुणी ए नर कले बर पाई मु क्रीड़ा मृग प्राय होई धन संपद मोर के देखे मूढ़ पणे
একান্তে ভ্রমহি জগতে উলঙ্গবে তেউ নমতে উর্বশী পথে যাও চলি মো মুন্ডে তার পাদ ধূলি লম্পট উন্মত মো বেশ মো মুন্ডে মুকুলি তকে দেখ দয়া তা তুলয়ে লেউটি কেবে হে ন চাহে দেবনারি বস বন্টি কিবা তাহতে জমতি যেখানে গধ কাম ভোলে গধুণী বাসে যাই ঢিলে সে তাকু চরণে ছাড়ই নীলজ তাকু ন ছাড়ই এণু এ চিত নিরোধরে উপায় ন দিশে মো মনে বিদ্যা তপস্যা শাস্ত্র দান একান্ত নিবাস মৌনম এটা প্রয়োজন কি সামন নারী চলাবসম এণু জীবন অধিক মোর অধিক নিষ্ফল জ্ঞান মো বিবেক মুহি যে প্রভু পণ পাই গুরু গর্দব প্রায় হই সর্বনিষ্ফল নারী সঙ্গে বঞ্চিত হেলি নর অঙ্গে উর্বশী সঙ্গে এতে দিন বঞ্চিলি ধিক মো জীবন মোতে ন ছড়ি কাম জোর মো রোগী পাপি সপা মোর কুলটা সঙ্গে যার মন মোহে বুয়াই হত জ্ঞান তার জীবন উদ্ধারণে কে পারে বিনা নারায়ণী জ্ঞান আধার ভগবান গুণ বঞ্জর পূর্ণ কাম মোর জীবন পরিত্রাণে হরি মু অন্য নাহি জনে ইন্দ্রিয় মানঙ্কু নরীতি মুড় অত্যন্ত দুর্মতি উর্বশী উচিত বচন জেণু ন বুঝি হেলি ভ্রম তাহার কি দোষ মোর জ্ঞানে মোহি নাশ এ দেহে কিবা কার্য অছি দুর্গন্ধ মলিন আসুচি রুধির মাংস মল মূত্র অন্ত্র জড়িত শিরা সূত্র অস্থি নির্মিত গন্ধি গন্ধি চর্মে এনার দেহ পাই কর্মে এ সর্ব অমেধ মন্দির অনিত নর কলেবর এহাকু নিত্য প্রায় মণি সে প্রাণী রমতি তরুণী সে কীট কৃমি সঙ্গে সঙ্গ যে সত্য মণি নারী অঙ্গ এ বোল বুঝি তীরে সঙ্গে পণ্ডিত নোহে মতি ভঙ্গে বিষয় সঙ্গে ইন্দ্রি মেলে মনবি কেবর সফলে নিতে সে বন্তি অনুসঙ্গে দেশনে জল ভিতরঙ্গে বড়ই রস লোভে জিত কেবে হে নুহাই আয়ত ন দেখে ন শুনাই দেবে মন নিশ্চল হয়ে দেবে মন নিশ্চল ইন্দ্রিবন বড় যে হুয়ন্তি সংযম তেণু স্ত্রী সঙ্গ পরিহরে ইন্দ্রিয় গণকু নিবারে শ্রবণে শুনি স্ত্রী রূপ চিত্ত জড়ই কাম কল্প এণু কামিনী সঙ্গ দোষে পণ্ডিত জনম নত্রাসে শ্রী ভগবান বাদ এতে বিচারি রূপ বর গোবিন্দ চঞ্চল চিত্ত কলা শির গোবিন্দ উর্বশী সঙ্গ দূর করি গোবিন্দ মোর চরণ দুহে ধরি গোবিন্দ ভগতি যোগে ধরি মন গোবিন্দ মো পাদে কলা আরাধন গোবিন্দ চিত্ত যে তিলা মোহ পাস গোবিন্দ মো ভাবে কলা সবু নাশ গোবিন্দ মো নাম দপি শুদ্ধ মনে গোবিন্দ অন্তে পশিল মো ভুবনে গোবিন্দ তুই এবে দৃঢ় চিতে বুঝ গোবিন্দ তিনি সঙ্গম দূরে তেজ গোবিন্দ সাধু সঙ্গমে রাতি কর গোবিন্দ মো নামে আনন্দে বিহর গোবিন্দ সাধু সঙ্গমে জ্ঞান পড়ে গোবিন্দ কর্ম বাসনা বন্ধ ছিড়ে গোবিন্দ স্বভাবে সাধু জন যেতে গোবিন্দ
समान देखती जगते गोविंद मित्र बेनी पक्ष गोविंद गोविंद परायण गोविंद निर्द्वंद निष्काम निर्मोह गोविंद नाही ताहंक परिग्रह गोविंद एहंक संगे संग कर गोविंद मोरा भगति हृदय धर गोविंद मोहर नाम जस गुण गोविंद नित्य ताहंक मुख सुन गोविंद मो नाम पति कर्म द्वारे गोविंद पाप हरे गोविंद साधुक मुख मधुबाणी गोविंद दुर्गति खंडे शुणी गोविंद साधु जनक सभा मे गोविंद मो नाम गुण अनुवादे गोविंद नीति कहती मोर कथा गोविंद मो पुण्य जस गुण गाथा गोविंद आनंदे शुणी कर्ण द्वारे गोविंद बदने गावती सुस्करे गोविंद नयन मधु जड़ छे गोविंद रोम रस गरे गोविंद चित मोहर पद गे गोविंद अर्पित करे शुद्ध चीते गोविंद नाम करते निर्विवादे गोविंद भक्ति लभे अप्रमादे गोविंद लभई ब्रह्म अनुभव आनंद स्वरूप स्वभाव निर्गुण आत्मा जे स्वरूप निर्मल अनंत रूप मोर भक्ति दृढ़ मने जरऊ पूजे अकिंचने तीनि भुवने करिबार अवशेषतार संसार बंध तार नाही जन्म मरण निस्तरई अग्नि से बने दन्हे सीत ते मंत साधुक संगत कर्म वासना नाश करे ना पुनी पड़ई संसारी देखे संसार सागर अति उत्तट भयंकर कर्म वासना रजु बंदी दिवस संसारे निरवधि पुणी उठई पुणी बुढ़े नियत पथ निते बुढ़े ए घर संसार तरंग निस्तार हेतु साधु संग साधु संग मना बेबसी नितरे घोर जर राशी सकल जंतु का जीवन देने संसारे लखियान आरत जन प्राणी कर मुझे शरण पंजार पर लगर पाई जन जेने भरता करे धन संत चरण से ही मते निसार हेतु हे दगते घोर राजनी अंधकार जैसने करी कर ज्ञान चक्षु को दे संत अज्ञान तम करे हाथ सुजन जन रे भाव उद्धवे कहिले माधव से पुरुर बादंड धारी उर्वती संग परिहारी साधु संगम हेतु करी घोर संसारु गला चरी एणु जे सुजन संगते क्षण निमिषे जगते बसे सकल परिहारी
से प्राणी प्रभु जाहे तारी बोलोई दासर नाथ श्री कृष्ण उद्धव चरित हरि भक्तंत महिमा खिचाणी पारि गुण सीमा भक्ति जोग अवधाने संसार उत्तर साधु धने हरिंक गुण कर्म मान हरई पाप कोटि जन्म हरई पाप कोटि जन्म हरिंक गुण कर्म मान इति श्रीमद् भगवते महापुराणे परांस संहितायां एकादश स्कन्धे श्रीकृष्ण संवादे पल्लवगीतं नाम सप्तविंशोऽध्यायः अष्टाविंशोऽध्याय आज्ञा अष्टाविंशोऽध्याय पढ़िबि हाँ पढ़ंतु पियजुगर विधिमान अष्टाविंशोऽध्यायवर्णनं उद्धव कृष्णर वचने कहे भक्ति अनुमाने उद्धव वाचम करिय बहि संसारे जीव सकल कर्म करि तुम्ह भक्ति रोग जेते मते कहिल नाना मते माया प्रपंच ए जगत तुम्ह चरण मात्र सत्य भगत जन तो पयरे पूजंती जमंत प्रकारे वेद आगम शास्त्र मते परम धर्म ए जगते व्यास अंगिरा ब्रह्म सूत जय धर्म तहंकर मत सकल ग्रंथ बधारी से कर्म जोग साध्य करी कर्म साधन नाना मते कहंके प्राणी श्रेय ए कर्म जोग तुम्हे मुखे कही छ मुनि को प्रदेखे तो मुख कमल गणित सुचि सुरुचि सुलित एक कथा पार्वती सम्मुखे ईश्वर कही छन्ति मुखे ए कर्म जोग धर्म तार सकल बने अधिकार श्री शूद्र आदि जते प्राणी तरंती कर्म जोग जानी मन बिना कर्म जोगी स्थिर न रहे हृद भागे अमल कमल लोचना जे कर्म बद्ध विमोचना जे मन्ते जीवन उठार कहे कमलर बर सुनी उद्धव वाक्य सार बोलंती प्रभु दामोदर भगवान वचन आनंद महिमा कर्मर के करी पारी बगोचर किछि कहिबा संक्षेपरी सुनाउ उद्धव मन तीरे जे कर्म दोग प्रकरण अशेष जीव परित्रण आगम निगम प्रमाणे सकल शास्त्र जाव खणे त्रिविध मत से कहती ओहर पूजा अठे चिंती एणु जार जने इच्छा करती नाना मते दीक्षा अशेष जन्म पुण्य भागे मते पूजती कर्म जोगे ब्राह्मण कूले जन्म होइ भाग्य पवित कंधे बही गुरु धरण करे धरी गायत्री उपदेश स्मरी प्रभाव कति करी जे अबा पूजीब जे मंदे सुनम पूजा विधि जते भावे कहिबा तो अग्रते प्रतिमा तापी भूमि तले अथवा तापी अथवा पंडिले अनले सुनते पूरी बकी जले
अथवा हृदय मंडले श्रद्धा भगवती चित्ते द्रव्य संचिना नाम दे गुरु दरण भावे भजी होते पूरी माया तेजी स्वभावे सूचि मंत पोई दंत बदन जले धोई स्नान करीब जथा काले प्रभाते पुण्य नदी जले वेद आगम मंत्र तंत्रे स्नान करीब शुद्ध मते जे मते श्रद्धारे पूरीब से नित्य कर्मे नित्य थीब केवल ईश्वर भावने संकल्प सही शुद्ध मने दारुपाषाण धातु मई लेपलेखन मणिमयी बालुका मई मनमयी एमंत प्रतिमा भी आई ए अष्ट प्रकार प्रतिमा सुंदर स्वरूप उत्तम देवेनी मूर्ति चला जल विष्णु पूजार मंदिर निर्माण करी विष्णु रूपे निश्चले पूजी बसमीपे जे आवाहन विसर्जन चल प्रतिमार अर्जन अचले न करिए मत ए बुध जनकर मत लेप लेखन जेते स्नान मार्जना न कराई स्नान मार्जन इच्छा देवे दर्पणे कराइब तेबे दत्ने उत्तम द्रव्य आनी पवित्र गंध पुष्प पाणी माया नथी देह मथी विधाने पूजी आनंदे यद्यपि भकत अग्रते जे किछि तभे अकस्माते तेणे पूजी बनर हरि हृदय भक्ति भाव धरी दिव्य प्रतिमा पूजी देवे नाना उपहार स्वभावे चंदन वस्त्र अलंकार भक्ष भोजन मनोहर मंडले जे बाबू जा करी मंत्र बे फारे न्यास करी अनाले पूजी बजे मोदे होम गरीब मूल मंत्रे रवि पूजी बध्य जये मुठाई आदित्य मंडले एणु साल वस्तु जेते देव आदित्य मुखे मोते जय पूरी बजा द्रव्य मोर पूजार स्वभावे हरिद्र प्राणी देवे मोते दृढ़े पूजाई भाव चित्ते ताहार जल पुष्प मुही अणु प्रमाणे जेरी पाई संतोषे करई आहार जेणु भक्त बंधु मोर जे जेबे अणु मात्र देई मोताहा बहुत घेनई जे मेरु तुल्य नाना तबे मोते समय भावे श्रद्धा न थाई अंतर्गते मोताहा छुई भी के मंते सुगंध पुष्प धूप दीप वस्त्र भूषण नाना कल्प तेणे मो नाही मन शुद्धि एबे हो सुन पूजा विधि जे भावे जे मंते पूजिले जीवनी तार लभे फले पवित्र जड़े स्नान करी वस्त्र कुशरी सकल द्रव्य अवधानी मिली बहुजाने ब्राह्मण पूजे देवे मते अखंड कुश घेनी हस्ते मंत्र उच्चारी पूर्व अग्रे कुश स्थापी भूमि भागे पूर्व दीर सुमुख करी अशिव आसन सुमरी अंग सोधिव अंग न्यासे मंत्र उच्चारिबे निपासे मंत्र सुमरी कुशानी रे मार्जना करी आत्मतिरे पुदार द्रव्य पूजा भूमि मार्जिव आपणा मूर्धनी बाह्य पवित्र करी गात्र सम्मुखे स्थापित पात्र
क्रमे तातिव दिने स्तन जे पाद्य अध्य आचमन ओंकार पूर्व नम मंत्रे सोहना करी पाद्य पात्रे स्वाहा मरि अर्ध पात्र रक्षण करिब पवित्र तृतीय आचमन पात्रे जल खे पीब शिक्षा मंत्रे जलखे पीब शिक्षा मंत्रे गायत्री मंत्रे सर्वद्रवे जल सिंचिब शुद्ध भावे संपूते जोड़ी बेनिकर चिंतिब हृदय कमल मन पवन करिस्तिय आसने कुंचित आधार परम आत्मा दिव्य मूर्ति हृदय पद्म मध्य चिंति लवनी मिश दंड माते मूर्ति निचल करिगाते ए मंद ध्यान पूजा करी पछे मंडले पूजा करी समंत्रे आवाहन करी देह स्थापित मुद्रा धरी हृदय आदि चारि देशे न्यास करी मंत्र नाते विविध द्रव्य उपहारे पूजा प्रकृति व्यवहारे जे पाद्य अर्घ्य आगमन मंत्रे करिब निवेदन धर्मादि अष्टमूर्ति ध्याने मंत्रे स्थापित जता स्थाने मंत्र तंत्रे पूजी बिधाने जेपरी भेद अनुमाने शंख चक्र कदा कमल पूजीब लंगल मुसल खड़ग बाण सरासन जे विधि अस्त्र पूजासन शिव चवन माला मणि ध्यान पूजीब स्थान जाई संपूर्ण पारिषद वृंद सुबल नंद जे सुनंद प्रचंड महाबल चंड सुबीर गरुड उदंड कुमुद कुमुद लोचन पार्वती पार्वती नंदन पूजीब व्यास विश्वक्सेना गुरुंग तुल देवगण समस्त पार्षद विधाने पूजीब निज निज स्थाने कर्पूर उसीरा चंदन कुंकुम गोला जले स्थान दिव्य उपहार घटने निगम आगम वचने सुगंध वस्त्र अलंकार यज्ञोपवीत उपहार लेपन सुगंध चंदन बक्षगंधरे सुमंडन कुंकुम पाद्य अर्घ्यदान गंध अक्षत आचमन सुमन हर धूप दीप श्रधारे देव मो समीप नाना प्रकार जे बोधक अनव्यंजन नाना पाक धूप प्रपान सुपाक क्षीर विकार जेते मिले सुगंध सुशीतल जये विभव क्रमे मिले जेते खोइब मोहर अग्रते सुगंध तैले सुगंध तैले अभ्यक मर्दना करी मोर अंग दत्त धावन अभिषेक विधि प्रकार एक आनंदे मोर पूजा सरी प्रमोदे नृत्य गीत करी मोते पूजी बारे बारे जथबी भव अनुसारे पूजार अंते अग्निकुंडे होम करिब मंत्र कंडे अनल मध्य रूप मोर देखिब ए मंत्र प्रकार सप्त कंचन मनोहर अति रुचिर कलेबर
निज आयु न चारि बुझे पिता बसन कटि मारे किरीट कुंडल बीरदे रत्न में खड़ा कटि साजे मकत केवुर कंकण हृदरे शिव स्तर चिन्ह कौस्तुभ मणि सोहे गले सुंदर दिशे बन मले ए रूप ए दिव्य रूप अग्निमथे ध्यान चिंति बहुत पने मूल मंत्रे होम कारी वेद मते जे नाम गोत्र उचारी नीव पारि सरगण प्रणाम करी जने जने उजीव वेद उचारणे ए अंते परि सदगणे बलि करिब समर्पणे निश्चले मूल मंत्र जापी ब्रह्मा स्मरणे चित्त सापी ध्यान भोजन शेष जानी समर्पी आज मन पाणी मोरनी माल्य शेष भाग विश्व से नेता देव कर्पूर गंध फल मिसे तांबूल देव मुख बदे पुणी सुगंध पुष्प नहीं पुष्पाजलि मोर पवित्र जत गुण मंगल नव उच्चारण नृत्य करणी कर्णे मोर कथा सुनी मोर कर्म समुदाय जत्ने करिब अभिनय मुकत सुनि सुनाई न एकाग्र भाव करी मन मुहूर्ते अभाव किछि क्षण समय करिब हरण स्तुति पठने मोर मन तबरे कराइ प्रसन्न वेद पुराण स्तुति देते आनंदे पढ़ी मग्रते नमस्ते लक्ष्मी देवी कांत उचारी जोड़ी बेनी हस्त त्रिवर कई प्रदक्षिणा दंड प्रणाम पुण पुण मोर चरण शिर दे बोलिब कृष्ण त्राही त्राही बोलिब कृष्ण त्राही त्राही बोलिब कृष्ण त्राही त्राही अनादि धर्म निराकार भव सागरु कर पार ए रूपे नमस्कार करी शेष निर्माल्य तीरे धरी जीवी करीब विसर्जन देखिब निज हृदय पूर्ण ए रूपी मोर रूप जेते मूर्ति कराई शुद्ध जीते नित्य पूजीब श्रद्धा भावे देवी पूजार प्रस्ताव हे मंत भावे नित्य नित्य जे प्राणी पूजो थी मोते सर्वस्तम पद अनुकूल लाभंती परम मंगल मोर प्रतिमा करिबे त दृढ़ मंदिर देवास सुगंध पुष्प उपवन नाना प्रकार क्रीड़ा स्थान मोहर उत्सव सहिते करिब सख्य अनुमते मोरा उत्सव पर्व पवे भावे पूजीब नाना द्रवे एमते पूजी बहु विधे
बंसी उत्सव आनंदे कृषि वाणिज्य व्यवहारे जीविका उपाय प्रकारे निवास पूरा ग्राम आदि जय संपद प्रसिद्धि समर्पी महाराचरणे मोना मारी बदने सालोक्य मुक्ति पद तार निवास लभे मोर पूर ए मोर पूजार लक्षण उद्धव एक मने सुन जे मोते दियंती गृहदान हेले लाभंती त्रिभुवन मोते मंडपे स्थापी देवे प्रतिष्ठा करे प्रिय भावे शपथ दीपे होए राजा मोहर प्राय लभे पूजन दे मोते पूजे ए संसारे से ब्रह्मा लोक भोग करे सारूप्य मुक्ति ए संसारे लभंती एति निप्रकारे जे निरपेक्ष भक्ति जोगे आत्मनिस्तार सुख मागे मोरा चरणे दृढ़ पदे माया संसार धर्म दे केवल लाभ मोर धाम से प्राणी लाभे पूर्ण काम विविध तापु से निस्तारी न बुड़े घोर अंधकार ए रूपे मोते जे पूजती हृदय भक्ति भाव चिंती मोर श्री बने निरवधि से प्राणी लाभे सबसी सुनाऊ धब कहुत दे जे पापी दन ए जग दे स्वत पर दत्त वृद्धि जे जन अज्ञान हरती देव ब्राह्मण तापसोगे से कामे नर लोके जीवन अंते कुंभी पाके पड़ती निष्ठा कृमि रूपे केवल नर कहार करती लखे संवत्सर जय बा कृष्ण कर्म करी जय बांती जे बाणे न पाय पर करु होमर पूजा कर्म देखी सुख आनंदे बुझिया ए चारि जने सम फल लाभंती कहिले गोपाय ए चारि जने सम फल लाभंती कहिले गोपाल उद्धव सुनी कृत्य कृत्य नमाई दास जगन्नाथ नमाई दास जगन्नाथ नमाई दास जगन्नाथ श्रीमद् भगवते महाप्रणे परमहंस सहित एकादश स्कंधे श्रीकृष्ण उद्धव संवाद
क्रियाजवकथनं नामाष्टविंशोऽध्यायः हरि ओम। धन्यवाद माँ। असंध्याकाली पाठ करिवे श्रीयुक्त सुरेश चंद्र साहू प्रस्तुत रहिवे सुरेश बाबू। ओ हरि ओम। ओम पार्वती वाच केन उपायेन लघुना जगन्नाथ नाम सहस्रकं पठति पंडित नत्यं प्रथमिच्छामि ओम प्रभु। किशोर वाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम नाम वरानन ओम नमो इति हरि ओ। सांति पाठ करो। जय श्री जगन्नाथ, महाप्रभु कर जय। बोलिए श्री जगन्नाथ महाप्रभु कर जय। बोलिए श्री जगन्नाथ महाप्रभु कर जय। श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ।